What's up everybody and welcome back to a brand new video. आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक मूवी ट्रेलर. Yes guys, आपने सही सुना, आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक मूवी ट्रेलर. ठीक है, तो कौन सी मूवी का हम लोग मूवी ट्रेलर एक्चुअल में बनाने वाले? तो भाई जॉन विक 1, अगर आपने देखी हो, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ जॉन विक भाई, एक नंबर. एंड कियानू रीव्स इज माई फेवरेट एक्टर भाई. जो भी कहे लोग कहे कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, इट्स ऑलवेज कियानू रीव्स भाई, बहुत ही बढ़िया एक्टर है. तो आज हम लोग उनकी मूवी का जो ट्रेलर है जॉन विक, उसको हम लोग बनाने की ट्राई करने वाले हैं इन GTA 5 विथ अ कपल ऑफ चेंजेस. ठीक है, चेंजेस ऐसे है कि हम लोग ना वो डॉग का जो हुआ उसके साथ उस मूवी के अंदर वो नहीं दिखाने वाले, क्योंकि भाई एक्चुअल में एनिमल के साथ जो होता है ना वो पसंद नहीं है. मी एंड माई फैमिली वी ऑल फीड स्ट्रे, हम लोग स्ट्रे एनिमल्स को फीड करते हैं, हम लोग उनके साथ खेलते वगैरह, तो मज़ा नहीं आता है इस मूवी में ऐसा कुछ होता है तो. ठीक है, ओके, सो हम लोग आज जॉन विक का ट्रेलर क्रिएट करने वाले. उनकी जो स्टोरी होती है कि जॉन विक की कोई गाड़ी चोरी करके ले जाता है, कोई अमीर अंडरवर्ल्ड बंदे का जो लड़का होता है वो गाड़ी चोरी करके ले जाता है, एंड जॉन विक जो है वो उसके पीछे आता है, उसके बाप के पीछे, उसके लड़के के पीछे, ऐसा करके ऐसा स्टोरी है. तो उसके अंदर गाइस फाइटिंग होने वाला है, फिर हम लोग फाइटिंग सीक्वेंस करने वाले हैं बहुत बढ़िया वाला, तो उसके लिए भी हमने कुछ सीन सेटअप करके रखे हुए हैं. ठीक है, जॉन विक नहीं माइकल विक के, क्योंकि भाई हमारा जो स्टार है वो माइकल है भाई, जॉन विक नहीं है, माइकल है. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए वेट किया फॉर 2 वीक्स. भाई मैं 2 वीक्स के लिए चला गया था फॉर अ ब्रेक, क्योंकि आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विथ माई बॉडी, या थोड़ा नेक पेन हो रहा था मेरे को, हेडेक्स हो रहे थे, मेरे चश्मे के नंबर भी बढ़ गए थे एक्चुअल में, तो भाई दिक्कत हो गया थोड़ा. बट आई एम बैक, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली गुड नाउ, बहुत ही अच्छा लग रहा है. और आप लोग के साथ भी इस ब्रेक के थ्रू भी आप लोग के साथ मेरा बहुत बढ़िया इंटरेक्शन रहा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. तो वी आर नाउ बैक, और सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं विथ आवर वेरी फर्स्ट सीन. फर्स्ट सीन में हम लोग ऐसा दिखाने वाले हैं कि जो जॉन विक है, माइकल विक है सॉरी, वो अपनी गाड़ी को घुमा रहा है एकदम एयरपोर्ट के ऊपर, जो अपनी गाड़ी का शोकेस कर रहा है. ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन्यू मोड की मदद से मैंने माइकल के लिए कुछ आउटफिट क्रिएट करके रखा हुआ है. ठीक है, तो ये जो टक्सीडो का जो आउटफिट है, ये एक्चुअल में जब जॉन विक लड़ने जाएगा, एज यू कैन सी राइट हियर, देखो माइकल थोड़ा सा जॉन विक जैसा लग रहा है, तो ये हमने सेट किया हुआ है. एंड ऑन दी अदर हैंड जो अपना नॉर्मल जो है वो जब माइकल अपनी गाड़ी के साथ घूमने जाता है ना वो, एंड एक्चुअल में ये बाइक नहीं है, तो इसको हम लोग साइड पर रख देते हैं. और जो गाड़ी है वो भी हमने सेट करके रखे हुए, तो भाई तू साइड पर चली जाए. और हम लोग अभी अपनी गाड़ी को स्पॉन करते हैं, जो कि जॉन विक की एक्चुअल में वो गाड़ी यूज़ करने वाला है. ठीक है, हम लोग स्पॉन करते हैं बॉस 429. ओके, तो भाई ये है अपनी गाड़ी, ये रहने वाली है माइकल विक की गाड़ी, तो हम लोग उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं. कस्टमाइज ऑन दी अदर हैंड कैसे करेंगे? ओके, तो कस्टमाइज हम लोग करेंगे अपनी गाड़ी को, थोड़ा सा टर्बो लगा लेंगे और एक पेंट करवा देते हैं छोटा सा, जिससे अपनी ना एडिटिंग में अगर हम करें एडिटिंग अच्छे से, तो यू नो अपना जो कलर है वो अच्छे से आना चाहिए गाड़ी का. तो वी आर नॉट रिजेंबलिंग एवरीथिंग, ठीक है, फ्रॉम द मूवी. हम लोग सब कुछ रिजेंबल नहीं करने वाले फ्रॉम द मूवी, हम लोग अपने तरफ से भी जो सीन हो ना वो ऐड करने वाला है. ठीक है, तो येलो ऑन ब्लैक एंड प्लेट पे लिखेंगे विक. ओके, तो चलो भाई आप अपने पहले सीन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अपनी गाड़ी के साथ कुछ स्टंटबाजी करना, गाड़ी को फास्ट में भगाना. ठीक है, तो ऑलराइट, सबसे पहले ना हम लोग मिस ऑप्शंस में से अपना पूरा मैप को रिवील कर देते हैं. ऑलराइट, अभी इस वीडियो के लिए मैं जो मॉड्स यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है ओपन ऑल इंटीरियर्स, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारे मूवी के जो हमारे जो मूवी ट्रेलर के जो हीरो विलन है ना सॉरी जो विलन और उसका बेटा है ना, वो मार्टिन मद्वाजो है और मिगेल मद्वाजो है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले सैंडी शोज पे एक थोड़ा सा फास्ट भगाएंगे, उसके बाद हम लोग पेट्रोल पंप पे खड़े होंगे, और वहाँ पे एक्चुअल में जो विलन का बेटा होगा वो हमारे पास आएगा और कहेगा कि इज द कार फॉर सेल, तो भाई कार इज नॉट फॉर सेल. ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग सेट करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग ना गाड़ी को भगाते हुए ड्रिफ्ट करते हुए कुछ सीन्स ले लेते हैं. ठीक है, तो उसके लिए मैं ड्रिफ्ट मोड को ऑन करता हूँ, ड्रिफ्ट मोड ऑन एंड ओके, ड्रिफ्ट मोड अपना ऑन हो चुका है, शिफ्ट टू ड्रिफ्ट. ठीक है, तो थोड़ा सा गाड़ी एकदम बढ़िया लगेगा. ऑल राइट,
ऑलराइट, अभी हम लोग गाड़ी को भगाते हुए शूट करते थे। रॉकस्टार एडिटर के मैं आपको कुछ सेटिंग दिखाता हूँ जो कि मैंने किए हुए अपने गेम के अंदर। तो ये है भाई कुछ रॉकस्टार एडिटर के सेटिंग्स दैट यू कैन कॉपी राइट हियर। अगर आपको कॉपी करना है यू कैन ईजिली कॉपी इट। ठीक है, अपग्रेड ग्राफिक फॉर वीडियो एक्सपोर्ट, क्योंकि ये जो अगर आप ऑन करोगे ना इससे आपका वीडियो एकदम बढ़िया दिखेगा। ठीक है, तो ये आपने आई थिंक अभी तक कॉपी कर लिया होगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो मैं यहाँ पे गाड़ी को थोड़ा भगा के, मैं स्पीड थोड़ी लेके मैं F1 दबा रहा हूँ। F1 दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पे गाड़ी भगाने की कोशिश करूँगा, पूरा ड्रिफ्ट मोड में ऐसा भगाऊंगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट लूँगा। एंड देन जस्ट यू नो गाड़ी का थोड़ा सा शोकेस दिखाना है फॉर लाइक 5 to 6 seconds। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी के शोकेस के लिए, और मेक श्योर जो अपना सन है वो गाड़ी को अच्छे से कैप्चर करे। ठीक है, तो लोग यहाँ से मैं एक ड्रिफ्ट उठा लेता हूँ। और कई बार अपना जो रिकॉर्डर है वो धीरे से रिकॉर्ड करता है, क्योंकि शायद से उसको पता है कि मैं कुछ गाड़ी का स्टंट वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए वो धीरे से रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, और राइट, तो ये अपना ये सीन हो गया। ठीक है, तभी अपना माइकल जो है वो अपनी गाड़ी को घुमा रहा है। माइकल विक वो एकदम रिटायर्ड असैसिन है और अपनी गाड़ी को घुमा रहा है। तो ये अपना पहला सीन हो गया शूट। हम लोग पहले सभी सीन को रिकॉर्ड करेंगे, शूट करेंगे, उसके बाद हम लोग एडिटिंग सेगमेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो अपना पहला सीन हो चुका है शूट। अभी हम लोग सेट करते हैं अपना दूसरा सीन। तो हम लोग अपना टाइम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपन लोग टाइम चेंज करेंगे, क्योंकि जॉन विक यहाँ पे अपनी गाड़ी काफ़ी टाइम से घुमा रहा होता है। तो हम लोग शाम का टाइम कर देंगे, ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, और पेट्रोल पंप यहाँ पे आगे सैंडी शोर पे एक पेट्रोल पंप आ रहा है, तो हम लोग वो वाला पेट्रोल पंप उठा लेंगे। तो जॉन विक यहाँ पे देख सकते हो पेट्रोल भरवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है जॉन विक। अभी सन कौन सी डायरेक्शन में है, क्योंकि सन ज़्यादा मैटर करते हैं। सन यहाँ पे है तो हमको गाड़ी अपनी ऐसी रखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा अपने का कैप्चर आएगा। ठीक है, तो जॉन विक अपनी गाड़ी का पेट्रोल यहाँ पे डलवा रहा है और वो यहीं पे खड़ा हुआ है आराम से बिना किसी दिक्कत के। तभी हम लोग F9 मोड पे जाएंगे और मिगेल मद्वाजो को स्पॉन करेंगे, जो कि होता है मार्टिन मद्वाजो का बेटा। तो मेरे को पता है मिगेल मद्वाजो हमको मिलेगा इन दी मल्टीप्लेयर मॉडल्स में, हमको मिलेगा मिगेल मद्वाजो आई थिंक। मिगेल मद्वाजो नोप, स्टोरी मॉडल्स में मिलेगा, ये रहा मिगेल मद्वाजो इज इन स्टोरी मॉडल्स। तो ये एक स्पॉइल्ड सन है। ओ मेरी गाड़ी गई यार, मैंने F8 से स्पॉन की थी, इसलिए कोई बात नहीं, F9 से कर लेते हैं। अब मेरी गाड़ी नहीं जानी चाहिए। बॉस 4 to 9 राइट, एंड फटाफट से जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा कट दे देता हूँ आपको यहाँ पे। ओके, मेरी यहाँ पे कार भी रेडी हो चुकी है और सब कुछ मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी सीन ये है कि मैं एक्चुअल में ना मद्वाजो के एंड से मैं इस सीन को कैप्चर करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मद्वाजो के ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल ना माइकल को ऐड कर देता हूँ इन द डेटाबेस। राइट क्लिक करूँगा एंड पेड ऑप्शन से मैं इसका सोल स्टील कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सोल स्टील कर लिया है इसका, तो जिससे मैं एक्चुअल में मद्वाजो बन चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा माइकल के साथ, यहाँ पे ऐसे बात करूँगा कि इज़ द कार फॉर सेल, और माइकल जो है वो मेरे साथ थोड़ी बात करेगा एंड देन वो गाड़ी लेके चला जाएगा। तो मैं ऐसे खड़े रहूँगा यहाँ पे एंड माइकल को मैं थोड़ा सा इस बाजू खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, वो मेरी तरफ फेसिंग है, ऐसा कर देता हूँ। एंड देन मैं उसको टास्क दे देता हूँ। टास्क सीक्वेंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी टाइम वो मेरे को देखेगा, फिर उसके बाद वो एंटर व्हीकल जाएगा ऑन द ड्राइवर सीट ऑफ बॉस 429 एंड ड्राइवर सीट पे जाने के बाद ड्राइव टू पोजीशन, और इसका ड्यूरेशन मैं रखता हूँ 500 seconds, जैसे 5000 नो मैटर। इसका मैं कर देता हूँ स्पीड 90। ठीक है, और ड्राइविंग स्टाइल शुड बी अवॉइड ट्रैफिक अलॉट, और उसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक अगर माइकल ऐसे हमको सिर्फ उसको जाते दिखाना है, तो कहीं पे भी मैं इसको सेट कर देता हूँ एंड जाएगा तो ठीक है एक बार में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, F9 को एग्जिट करके पहले तो हम लोग F1 रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। F8 को प्रेस करके ऑब्जेक्ट स्पूनर, मैनेज एंटिटी, माइकल को सिलेक्ट करूँगा, टास्क सीक्वेंस, उसको थोड़ी देर होने दो, हाफ वे पहुँचेगा तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन करूँगा। अभी तक माइकल और मिगेल ने बात कर ली होगी, जस्ट प्रेस एंटर, और अभी माइकल यहाँ से चला जाएगा टेकिंग हिज कार।
तो ये माइकल वाला भी हमारा जो सीक्वेंस है वो हो गया, मतलब कि अपनी जो ट्रेलर की जो कड़ी थी वो हमने डाल दी कि अभी मिगेल मद्वाजो इज पिस्ड, तो उसको कैसे भी करके गाड़ी चाहिए वो। ठीक है भाई, माइकल के घर का जो सीन है ना भाई, बहुत खराब सीन है। ये गेट ही नहीं खोल रहा भाई, अगर मैं गाड़ी चोरी चोरी करके भी जाऊंगा तो भी ये गेट नहीं खोलेगा। तो मेरे पास सीन ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि भाई माइकल जो है उसको मैं आउटफिट पहना देता हूँ फटाफट से, वार्डरोब आउटफिट, नॉर्मल आउटफिट, क्योंकि अकेला रहता है यहाँ पे और वो अपने घर के बाहर खड़ा है, शायद से कहीं पे जाने वाला होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से उसको गाड़ी से आके ठोकेंगे और उसकी गाड़ी लेके चले जाएंगे। तो मिगेल को ऐसा होगा कि भाई माइकल गया, पर एक्चुअल में माइकल जिंदा होता है तो अपना बदला लेने के लिए आ रहा होता है। तो ये आई थिंक ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा सीन रहेगा, क्योंकि माइकल के घर का सीन है, हम लोग माइकल के घर के अंदर उसको शूट नहीं कर सकते, हम लोग उसको लाइक कुछ नहीं कर सकते माइकल को। तो ये परफेक्ट सीन रहेगा, हम लोग यही सीन से लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया दूसरे सीन लेके, बट इट वॉज गोइंग में दिक्कत एवरी बार, हर बार दिक्कत दे रहा था। तो हम लोग मार्टिन मिगेल के लिए एक कूप ले लेते हैं, ये वाली गाड़ी लेते हैं, चलो ओके। तो हम लोग इस वाली गाड़ी से माइकल को ठोकेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू टेक द कार एंड जस्ट गो अवे। ठीक है, हम लोग जाएंगे, F1 रिकॉर्डिंग शुरू, हम लोग जाएंगे, वी विल बी शूटिंग माइकल को, हमने यहाँ पे ठोका, फटाफट से गाड़ी लेके भाग जाएंगे। माइकल उठा नहीं है अभी तक, बहुत बढ़िया। अबे तेरे को यार, ये GTA का पब्लिक क्या है यार, गाय मेरी थोड़ी रिकॉर्डिंग इसने बिगाड़ दी, पर कोई बात नहीं, वी विल कट द सीन, माइकल के ऊपर कैमरा लेके जाएंगे। ओके, तो ये वाला भी हमारा सेकंड क्लिप जो है वो रिकॉर्ड, थर्ड क्लिप जो है वो एक्चुअल में रिकॉर्ड हो गया है, कि पहला सीन अपना था गाड़ी वाला, दूसरा सीन पेट्रोल पंप, तीसरा सीन ये। अभी चौथे सीन में क्या सीन है, हम लोग क्या करेंगे, डेट ये जो मद्राजो जो है वो एक कार वाली जगह पे ये गाड़ी लेके जाएगा। ठीक है ओके गाइस, तो हमें ना एक बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई है, ये एक गराज जैसा है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे। तो एज यू ऑल नो, जॉन विक की मूवी ऐसा था कि अपना जो मद्राजो जो है, मतलब अपनी मूवी में मद्राजो जो है वो इस गाड़ी को एक्चुअल में बेचने के लिए शायद से ले गया था, और फिर उस गराज वाले ने बोला था कि ये तूने पता है तूने किसकी गाड़ी चोरी की है, तूने जॉन विक की गाड़ी चोरी की है, ऐसा वो बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करने वाले हैं सीन। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सीन क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से ना, कुछ ऐसी गाड़ियाँ रख देते हैं जो कि बहुत ही कलेक्टिबल होती है। ठीक है, तो हम लोग को ऑब्वियसली स्पोर्ट्स क्लासिक में, क्योंकि क्लासिक गाड़ियाँ जो होती है वो सबसे कलेक्टिबल होती है, चीटा क्लासिक है ये बहुत ही बढ़िया वाली। ठीक है, फिर हम लोग ये कॉर्वेट की जो क्लासिक कार है वो रख देते हैं, डायनेस्टी, क्योंकि भाई ये सभी क्लासिक कार्स ना एक नंबर होती है। फिर हम लोग ये लैम्बोर्गिनी की जो है कुंटेज जैसी वो रख देते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे भी एक दो गाड़ियाँ रख देते हैं थोड़ी, यू नो जस्ट फॉर सेफ्टी हम लोग रख देते हैं कुछ मसल गाड़ियाँ। ठीक है, तो मसल में हम लोग रख देते हैं डोमिनेटर, वो पुरानी वाली जो मस्टैंग है ना, नहीं मस्टैंग रखेंगे तो मस्टैंग जैसा ही हो जाएगा, ड्यूक्स रख देते हैं तो आधा डॉट चार्जर जैसा लगेगा। ठीक है, इसको ड्यूक्स रख देते हैं, फिर हाँ ये फैक्शन रख देते हैं, ये अच्छी लग दिख रही है एक टाइम पे, ये गॉन्टलेट रख देते हैं, ये शेवरोले कमेरो जैसी है। ओके, और एक एक दो सुपर रख देते हैं। ठीक है, तो ये अपना वेयरहाउस का पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, एडल बुगाटी रख देते हैं, और एक रख देते हैं हम लोग फरारी रख देते हैं। ठीक है, फ्यूरिया, ये तुमने यहाँ पे एक्चुअल में एक गराज का सीन क्रिएट कर दिया है। कुछ एक दो हम लोग मैकेनिक्स रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो मैकेनिक रख देते हैं जो कि एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, और एक मेन वाला बंदा अपना रख देते हैं जो कि अपने मिगेल के साथ बात करेगा। हमने यहाँ पे मैकेनिक रखा। अगर आपको इस सभी को स्किप करना है, डोंट वरी, थोड़ा सा स्किप करते रहो एंड यू विल रीच टू द पॉइंट जहाँ पे मैं इस सीन को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ दो मैकेनिक्स रख देते हैं, और इनको एनिमेशन दे देते हैं हैंगआउट वाला, इसको भी एनिमेशन दे देते हैं हैंगआउट वाला, जिससे हमको लगेगा कि ये दोनों इन दी एक्चुअल में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक और मैकेनिक रख देते हैं यहाँ पे, जो बैनी की जो फीमेल होती है ना, वो अगर मिल जाए, ये रही बैनी मैकेनिक फीमेल, ये रही,
जो कि यहाँ पे लैपटॉप के पास खड़ी है, और एक हैंगर मैकेनिक जो कि एक्चुअल में अपना मेन जो मैकेनिक वाला होगा ये हैंगर मैकेनिक। और एमसी क्लब और ये पैराशूट क्यों पहना है भाई ने, नो क्लू। तो हम लोग यहाँ पे एक और मैकेनिक को खड़ा कर देंगे जो कि खाली इस गाड़ी के ऊपर काम कर रहा है ना, वैसा दिखा रहा है, तो ऐसा सीन में यू नो एक डेप्थ ऐड करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको दे देते हैं एक फ्लिप बोर्ड एक्शन, और इसका अगर हम लोग मूड्स चेंज कर सकते हैं तो इसको हम लोग मूड देंगे, इसका हम लोग वार्डरोब भी चेंज करते हैं अगर ये चेंज होता है तो। वार्डरोब चेंज नहीं होगा कोई बात नहीं, मूड चेंज कर देते हैं ऑन अ एंग्री नोट, क्योंकि हाँ एंग्री हो गया तो इसको लगता है कि भाई उसने ना गलत बंदे की गाड़ी चोरी की है। ठीक है, जॉन विक की गाड़ी चोरी करना मतलब कि भाई बहुत बड़ा पाप होता है। ठीक है, वो तुमको मारने आएगा ही, फिर तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये भाई हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं किसी वेयरहाउस के अंदर, तो चलो भाई फटाफट से अपनी गाड़ी लेके ना चलते हैं अंदर एंड लेट्स कंटिन्यू द सीन। ठीक है, हम लोग सभी सीन्स पहले शूट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जॉन विक अपना ऑफिस में आएगा, उस बंदे की ऑफिस पे जाके उसको यू नो टारगेट करेगा। अभी यहाँ पे अंदर कैसे जाए भाई, कोई बात नहीं, हम लोग अंदर गाड़ी को बुला लेंगे, पहले हम लोग अंदर चले जाते हैं फिर हम लोग अंदर बुला लेंगे गाड़ी को, टेंशन नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ गए एंड ऑल राइट, अभी अपनी गाड़ी को बुला लेते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट स्कूनर, मैंने आइडेंटिटी बॉस एंड ब्रिंग टू सेल्फ, ओके आ गई अंदर, ऑल राइट। चलो अभी हम लोग यहाँ से शूट करेंगे, ये गाड़ी लेके आया, ये जो ट्रेलर जो होगा ना वो एटलीस्ट 2 मिनट्स और 2.5 मिनट्स का हम लोग शायद से बनाएंगे। ठीक है, दिखते हैं कितना सीन। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, यहाँ पे आके खड़ी करेंगे और फिर मिगेल मदुआजो इसके साथ बात करेगा, ऐसा दिखाएंगे। तो ये ऑलरेडी गुस्सा है क्योंकि ये जॉन विक की गाड़ी है, तूने जॉन विक की गाड़ी चोरी की है, देखो नंबर प्लेट पे विक लिखा हुआ है, तूने इसकी गाड़ी चोरी की। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, वो ट्रेलर में एक्चुअल में पंच करता है उस कैरेक्टर को, तो हम लोग यहाँ पे इस कैरेक्टर को स्टील कर लेंगे और हम लोग पंच करेंगे इसको। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे और इसको हम लोग करेंगे पंच, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसने जॉन विक की गाड़ी चोरी की इसीलिए हम लोग इसको पंच किया, तो हम लोग फिर अभी गाड़ी को देख रहे हैं, भाई गाड़ी को डैमेज भी कर दिया इस बंदे ने, भाई क्या बंदा है ये। ओके, तो ये भी हमने शूट कर लिया। ऑलराइट गाइस, तो अभी जो हमारा सीन आने वाला है ना वो आने वाला है कि जॉन विक जो है, सॉरी माइकल विक जो है, वो जाएगा अपने जो वेयरहाउस के ऊपर और वहाँ पे वो अपना जॉन विक का उतार लेगा। ठीक है, अपना वेपन्स वगैरह सब कुछ लेगा, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक मेन्यू सीन क्रिएट करके रखा हुआ है जो कि ये रहा। ठीक है, मैं फटाफट से सेव फाइल्स में, ये रहा ये मदरसों का, ये रहा वेयर हाउस गन्स एंड आई एम गोइंग टू जस्ट टेलीपोर्ट टू रेफरेंस। तो मैंने ये वाला वेयर हाउस सिलेक्ट किया था इसके लिए, और आई जस्ट लोड दी प्लेसमेंट्स, क्योंकि मैंने इस ये वेयर हाउस के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है, तो एकदम परफेक्ट चीज़ होगी। ठीक है, माइकल जो है, माइकल विक, वो यहाँ पे इस वेयर हाउस के अंदर आएगा और फिर वो अपनी सभी वेपन्स जो है वो उन सभी वेपन्स को देखेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग यहाँ पे F1 की को प्रेस करके अपना रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। तो ये रहा माइकल, एकदम गुस्से से आ रहा है, एज यू कैन सी राइट हियर, और हम लोग यहाँ से साइड एंगल्स लेंगे। ठीक है, माइकल का, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे और ये आपको वेपन्स दिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत से वेपन्स दिखाएंगे और यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्विच माइकल टू हिज यू नो अपना एक वो टक्सीडो वाला जो सूट मिला, जो हेयर स्टाइल मिला सबसे, एंड वी आर गोइंग टू स्पॉन दी वेपन्स। ठीक है, वेदर नहीं भाई, वेपन, हाँ वी आर गोइंग टू गिव ऑल वेपन टू माइकल। अभी माइकल क्या करेगा, पिस्टल्स चेक करेगा कि सभी पिस्टल्स बराबर है। ठीक है, हम लोग यहाँ से एक पिस्टल ले लेते हैं बढ़िया वाली, आई थिंक डेजर्ट ईगल लेते हैं, वो बेस्ट रहेगी। तो डेजर्ट ईगल कहाँ गई, पिस्टल 50 कहाँ गई, वो होगी डेजर्ट ईगल, ये रही। तो ये अपनी पिस्टल है, ठीक है, हम लोग इसको F1 दबा के इसको एम करेंगे, देखेंगे कि भाई कैसा सीन है। ठीक है, जूम इन जूम आउट करेंगे, फिर हम लोग वी आर गोइंग टू स्विच अगेन, हम लोग यहाँ से शॉट गन के ऊपर स्विच करेंगे, वो वाली शॉट गन कहाँ पे गई, ये वाली, ये कॉम्बेट शॉटगन पर स्विच करेंगे, शॉटगन को भी चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं, जॉन विक को शूट करेगा या नहीं। ओके, ये चेक कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू आल्सो गोइंग टू चेक द स्नाइपर, तो स्नाइपर को भी हम लोग चेक करेंगे, स्नाइपर को भी चेक कर लिया एंड थोड़ा सा यू नो वेपन जो चेक करता है ना
जॉन विक अपने हिसाब से वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। ये वेपन चेक करेगा, ये एकदम बढ़िया वाला वेपन है, ठीक है। और ये जॉन विक ने वेपन लेके रेडी हो गया, और फिर वो अभी निकलने वाला है मारने के लिए, ठीक है सबको। तो ये निकला गन लेके, ठीक है। तो ये अपना ये वाला भी रिकॉर्डिंग हो गया है इन द 32 सेकेंड्स में। इसको हम लोग एकदम फास्ट फॉरवर्ड में दिखाएंगे। इसके अंदर हम लोग उसके अंदर हमने ये सभी वेपन दिखा दिए। अभी इन सभी वेपन्स में जो अच्छा वेपन रहेगा ना उसको हम लोग दिखाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, अभी हम लोग जाएंगे मद्राजों के बिल्डिंग के अंदर, और वहाँ पे हम लोग और फिर हम लोग ना बादास के एरिया में चले जाएंगे फाइट करने के लिए, जिससे हमारे पास ना वो फाइट वाला भी सीन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को मस्टैंग नहीं दिखानी, इस सीन को मैं वापस से लोड आउट कर देता हूँ। मेरे को एक्चुअल में ये सीन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सब कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ओपन अनदर सीन जो कि मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है मद्राजों के यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा मद्राजों का ऑफिस वाला सीन। इसके ऊपर पहले मैं टेलीपोर्ट करता हूँ इन द रेफरेंस, तो मैं यहाँ पे आ गया ऑफिस के अंदर, और यहाँ पे लोड प्लेसमेंट कर देता हूँ। शायद से वो लोग मेरे को गोली ना मार दे तो अच्छा है। हाँ, तो ये रहा, तो ये सीन ये है कि जॉन विक जो है वो किसी से डरता नहीं है, और वो एक्चुअल में आया इस मद्राजों को वॉर्न करने के लिए कि मैं तेरे बेटे के पीछे पड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आया, हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, और ये सभी के सभी हमारे ऊपर एम कर रहे हैं बंदे, ठीक है। थोड़ा सा खौफ लगेगा लोगों को, और मैं मद्राजों के सामने आके खड़ा हो जाता हूँ, और फिर मैं उसके साथ बात करता हूँ। मद्राजों यहाँ पे फुल टेंशन में होता है कि मैं इसके बंदे को मार दूंगा ऐसा, और फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे इन सिक्योरिटीज़ को, और फिर यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका हमने ले लिया, इसका हमने इतना ही रिकॉर्ड किया। अभी हम लोग थोड़ा सा फाइटिंग सिक्वेंस बताने वाला है, ठीक है। ओके, तो गाइज अभी सीन हम लोग ये करेंगे कि मद्राजो जो है वो किसी फैक्ट्री के अंदर छुपा हुआ था ऐसा सीन, क्योंकि मैंने स्ट्रिप वाला ट्राई किया, उसके अंदर हम लोग वेपन ही स्पॉन नहीं कर सकते। तो भाई फायदा ही क्या है, कई इंटीरियर्स ऐसे है जिसमें हम लोग वेपन स्पॉन नहीं कर सकते। लाइक व्हाट्स द पॉइंट देन, वेपन स्पॉन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू चेक दिस वन। और ये कहाँ से एंट्री मिलेगी इसकी, ये यहाँ पे हम लोग GTA ऑनलाइन में आ चुके हैं। अच्छा, ये गेट रहेगा। हाँ, तो ये गेट है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मिगन मद्वाजो छुपा हुआ ऐसा हम लोग करेंगे, और जॉन विक उसको मारने के लिए आया है, ठीक है। तो हम लोग वो वाला सीन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बंदों को स्पॉन कर लेंगे। तो इतने इतने एरिया में हम लोग कुछ बंदे स्पॉन करते हैं, इतने इतने एरिया में, तो हमको एटलीस्ट थोड़ा सा फाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो जॉन विक यहाँ पे पिस्टल से फाइट करना आएगा, ठीक है। हम लोग एक्चुअल में आए हैं यहाँ से, ठीक है, आई थिंक। हाँ, हम लोग यहाँ से आए हैं, तो यहाँ पे वो सभी बंदे खड़े होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ सबको। वी आर गोइंग टू सिलेक्ट हाई, सॉरी, जिससे अपना सिक्योरिटी वाले बंदे आएंगे, एक एक स्पॉन कर देता हूँ, फिर हम लोग उनको रैंडम वेरिएशंस दे देंगे, ठीक। हमने यहाँ पे सबसे पहले इसको टास्क सीक्वेंस देना है, एक एक्टिव वेपन सेट एन एक्टिव वेपन, ठीक है। ये रहा सेट एक्टिव वेपन, इन सबके पास होगी माइक्रो SMG, हम लोग कर लेते हैं। और इसको फिर हम लोग दे रहे टास्क दैट फाइट एनिमीज इफ एलिजिबल एंड प्रोवोक्ड। ड्यूरेशन हम लोग कर लेते हैं 9999, ठीक है। रेडियस बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, माइकल गोली मारेगा तो उस हिसाब से वो लोग फाइट करेगा अपने साथ। अभी टास्क को हम लोग कर देते हैं ऑफ, क्योंकि अभी हमको नहीं चाहिए। पेड ऑप्शंस में जाएंगे, सेट इट टू एनिमीज इज स्टिल ब्लॉक पिंग को ऑफ करेंगे। इसको हम लोग वेपन दे देंगे SMG विद अ माइक्रो SMG। माइक्रो SMG कहाँ गई, कोई ये नहीं, माइक्रो SMG यही है, परफेक्ट। ऑल राइट, अभी इसी बंदे को हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 समथिंग लाइक बंदे यहाँ पे खड़े करेंगे। और फिर हम लोग मदाजो के एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे स्पॉन नहीं करने वाले, वो हम लोग ऐसा दिखा देंगे जॉन विक फाइट कर रहा है और मदाजो यहाँ से भाग के निकल गया है, ठीक है। तो ये सीन है, मैंने एक्चुअल में मद्रासों के घर पे एक सीन क्रिएट करके रखा हुआ है जहाँ पे वो सब लोग हमारे से फाइट करेंगे, बट मेरे को एक्चुअल में थोड़ा सा ये ऑफिस वाला चाहिए था, तो ये परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे हम लोग सभी खाली, जॉन विक जो है ना, माइकल विक जो है ना, वो खाली गन मारता दिखाना है, ठीक है, और कुछ नहीं। थोड़ा एक्शन थोड़ा वगैरह वो सब कुछ हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने कुछ बंदे सेट कर दिए, अभी हमको अंदर आके खाली गोली चलानी है। तो पहले ना हम लोग बाहर चले जाते हैं यहाँ से, कहाँ गए ये सभी बंदे, ये देखो ये रहे। और हमारी एंट्री गेट कहाँ से थी, ये रही यहाँ से एंट्री गेट थी अपनी, बहुत बढ़िया। पिस्टल उठा लेते हैं, पिस्टल 50, हमारे पास सप्रेसर लगा हुआ है इस गन के ऊपर। लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड अनदर गन जो कि थोड़ी सी डिसेंट लगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्किन लगाया हुआ है। चलो ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है,
अभी हम लोग फटाफट से उन सभी गार्ड्स का ना शुरू कर देते हैं टास्क। सॉरी, सिलेक्ट ऑल ही कर लेना चाहिए था ना, उसमें क्या है भाई, क्योंकि मदरसों को मैंने कोई टास्क नहीं दिया, तो इन सबका टास्क सीक्वेंस सिलेक्टेड। प्रेस F1, जाएंगे हम लोग अभी गराज के अंदर, सॉरी इस वेयर हाउस के अंदर। हम लोग सभी बंदों को शूट करेंगे। छुप जा छुप। अरे भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये GTA का ना वेपन व्हील, भाई वेपन व्हील एक नंबर है भाई GTA का। ओके यहाँ पे माइकल वो करेगा तो ये एकदम परफेक्ट है, इसका रीलोड का मेरा सीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे और बंदा है। ओके जॉन विक की तरह ये ऐसा करेगा। ठीक है, बूम। ओके तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फाइटिंग वाला सीन कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे दैट अभी हम लोग ना माइकल को एक ऐसा वॉक दे देंगे। अभी ये देखो ये हो गया, तो ये माइकल का भी हमने ना मोस्टली सभी सीन्स शूट कर लिए। अभी मैं क्या करूँगा कि मेरे को मद्राजो का भी वो फाइट करे ना मेरे साथ। मद्राजो भी फाइट कर रहा है जॉन विक के खिलाफ, वो भी हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्पॉन अ कैरेक्टर, मॉडल चेंज करके वी आर गोइंग टू स्पॉन माइकल मद्राजो, और उसके साथ हम लोग उसके बेटे को भी स्पॉन करेंगे, जो कि दोनों मिलके दोनों अपनी जान बचा रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो ये मिगेल मद्राजो, तो मैं मिगेल मद्राजो उठा लेता हूँ, और ये मार्टिन मद्राजो, दोनों भी यहाँ पे कटसिन मॉडल्स के ऊपर ही है। पर भाई ये कौन सा मार्टिन है भाई, रुको भाई मेरे को इसका डिफॉल्ट, हाँ ये परफेक्ट मार्टिन रहेगा। ठीक है, तो मार्टिन मद्राजो हमने स्पॉन कर लिया, और F9 मेन्यू से हम लोग स्पॉन कर लेंगे मिगेल मद्राजो को। फिर सॉरी मिगेल सर्च करके आ जाएगा, आ गया, चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग दे देंगे भाई, ये अपना फ्रेंड्स है। ठीक है, स्टील ब्लॉक फ्लिंग ऑफ और कंपेनियन मैक्स ऑन, और हम लोग करेंगे इसको एक वेपन। ठीक है, वेपन हम लोग दे देते हैं इसको एक असॉल्ट राइफल दे देते हैं, एंड वी आर गोइंग टू गिव हिम अ टास्क। वो भी हम लोग बालास के एरिया में जाके ना फाइट करेंगे उनके साथ, तो ऐसा कि हमारे साथ कुछ सीन्स हो जाएगा कि हम लोग फाइट कर रहे हैं और जॉन विक भी वहाँ पे अपने साथ फाइट कर रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसको कर देते हैं एक कहाँ गया सेट एक्टिव वेपन, ये रहा सेट एक्टिव वेपन, एंड वी आर गोइंग टू गिव हिम दी असॉल्ट राइफल एज दी सेट एक्टिव वेपन। ठीक है, तो असॉल्ट राइफल हमको, मेरे को इतना पता है नीचे से मिलेगा असॉल्ट राइफल, ये रहा असॉल्ट राइफल सेट एक्टिव वेपन ऑन। तो ये अपना कंपेनियन है, अभी ये हमारे साथ लड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग रात ही रहने देते हैं, मेरे पास ऑलरेडी वेपन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक कार स्पॉन कर लेते हैं, व्हीकल ऑप्शन व्हीकल स्पॉनर, एंड कोई भी उठा लेते हैं कार भाई, कोई टेंशन नहीं है, आ जा भाई। अभी लोग जाएंगे बालास का जो एरिया है वो ये रहा भाई, नज़दीकी एरिया, इतना दूर नहीं है, चलो बढ़िया अपना काम हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि एक सीन ऐसा रहने वाला है कि भाई माइकल और मार्टिन, मिगेल और मार्टिन, सॉरी मिगेल मद्राजो और मार्टिन मद्राजो दोनों बाप बेटे भी लड़ रहे हैं, और एक हिसाब से जॉन विक भी फाइट कर रहा है। ठीक है, माइकल विक, तो भाई ये भी हो जाएगा सीन। तो ये अपना लास्ट सीन फाइनल है, यहाँ पे हम लोग ऐसा देखेंगे कि हु विल विन, माइकल मद्राजो और सॉरी मार्टिन मद्राजो और जॉन विक कौन जीतेगा, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे F3 से ही चले जाते हैं। भाई मैंने पहले क्यों नहीं सोचा F3 से, ये के बालास है भाई, अपना लक एक नंबर है, बालास एरिया में है। अबे ये क्या हुआ भाई, गाड़ी लैंड की तो डायरेक्ट पीछे ही चली गई। ठीक है, तो चलो भाई फाइट करते हैं बालास के साथ। अबे बहुत बड़ी गलती कर दी एक मैंने, कि मैंने उस सीन को F1 दबा के रिकॉर्ड ही नहीं किया था। चलो भाई कोई नहीं, ग्रीन गैंग के पास ही चलते हैं अभी तो। और ठीक है, अभी यहाँ से F1 भाई, पहले F1 दबाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी फाइट करो। ठीक है, हम लोग खाली मारेंगे, कुत्ते को मत मारियो। ओके आई थिंक मिगेल भी शायद, ओके मिगेल भी एम कर रहा है, कुत्ते को मत मारना नहीं तो तेरे को मार दूंगा मैं साले। चल चल आजा आजा आजा, भाग 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 यहाँ से भाग, चल तू मान ले मान ले, इसको कोई टेंशन नहीं है, मान ले मेरा तो हो गया सीन। ओके, तो यहाँ पे हमारे सभी के सभी सीन्स ऑन द अदर हैंड नोट हो चुके हैं, और कुछ मेरे डिलीटेड सीन्स भी थे, तो
तो कोई बात नहीं. ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द रॉकस्टार एडिटर टू परफॉर्म इट्स मैजिक. ठीक है, तो हम लोग रॉकस्टार एडिटर पे आए हुए हैं एंड वी आर गोइंग टू नाउ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये अपना ये वाला क्लिप है, लास्ट क्लिप, ये सेकेंड लास्ट. इन दोनों को हमको मिक्स करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जॉन विक जाएगा अंदर गोली मारने के लिए. तीन क्लिप्स एक सीन क्रिएट करेंगे. ये सीन, ये क्लिप एक सीन क्रिएट करेगा, ये सीन एक करेगा, ये एक करेगा, ये दो करेंगे. तो ये दो क्लिप एक सीन क्रिएट करेंगे. दिस इज गोइंग टू, जिसके भी दो क्लिप लाएंगे हमको, तो हर एक क्लिप्स को हम लोग शूट कर लेंगे. ठीक है, ये हमने ट्राई किया था. ये एक्चुअल में ये सभी फालतू के क्लिप है, ये हमने ट्राई किया था बट ये एक्चुअल में वर्क नहीं किया था. ये परफेक्ट क्लिप है और ये वाले भी एक परफेक्ट क्लिप है. ठीक है, ये वाली मेरा जो एक्चुअल में ये जो था ना क्लिप्स, ये मेरा पुराना आइडिया था, दैट डिडंट वर्क. तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे. सबसे पहले हम लोग रॉकस्टार एडिटर का, मैंने गाइज ऑलरेडी आपको कुछ मैंने दिखा दिया है कैसे करते हैं कैसे नहीं सब कुछ. तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत से कैमरा एंगल्स दिखा दूंगा, बाकी का मैं अपने से रिकॉर्ड कर दूंगा. ठीक है, तो सीन्स कैसे रिकॉर्ड करते हो मैंने आपको दिखाया. अभी हम लोग रिकॉर्ड करने के कुछ कैमरा एंगल्स मस्टैंग के साथ. तो पहले हम लोग इसको थोड़ा बहुत जाने देंगे. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ड्रिफ्ट लगाए ना, वहाँ से हम लोग कुछ लेंगे. ठीक है, तो ये आ गया अपना और हम लोग यहाँ से. ठीक है, जैसे गाड़ी थोड़ी सी ना अपनी जो है वो आनी चाहिए अच्छी. ठीक है, तो 4x जूम हो गया अपना और ये हो गया अपना. यहाँ से हम लोग गाड़ी अपने साथ ही मूव कर रही है, तो टेंशन नहीं है. सॉरी एंकर, ओके यहाँ से ब्लेंड एंड बहुत बढ़िया. पहला क्लिप हमने एक ऐसा शूट किया है. एक्चुअली में ये गाड़ी का जो घूम रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा. हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कैमरा, बट यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग हमको ऑफ करना पड़ेगा. ऑफ ही है, चलो बहुत बढ़िया. ओके, ये इसका लिया हमने और ओके बहुत बढ़िया. तो यहाँ से अभी ड्रिफ्ट मार रहा है माइकल. फिर से अच्छा, तो हम लोग कैमरा ले लेते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया ब्लेंडिंग मोड. अब भाई ये इसका बहुत सीन है रॉकस्टार के कैमरा का भाई, थोड़े के लिए भाई क्यों दिक्कत देता है, बहुत सीन देता है थोड़े के लिए. ओके, अब शायद से दिक्कत है. ओके, तो ये जॉन विक जा रहा है. नहीं, इसको हमको ना एंगल थोड़ा ऐसा रखना पड़ेगा तो एकदम परफेक्ट ये आएगा. ठीक है, हाँ ऐसा रखना पड़ेगा एंगल. लेट अस गिव द शॉट. हाँ ये देखो माइकल विक जो है वो अपनी मस्टैंग लेके जा रहा है. तो अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक लुक वाला कैमरा लगा लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अटैच कर देते हैं इस कैमरे को. आई थिंक यहाँ पे पत्थर जो है वो बीच में आ सकते हैं हमारे साथ. गाड़ी कहाँ गई, ये नहीं. तो यहाँ से हम लोग लुक वाला टारगेट लगा देते हैं. ठीक है, तो ये कैमरा अपना है और फुल जूम है. मूव इट टारगेट ऑफ, लुक एट टारगेट ऑन एंड प्ले. ठीक है, हम लोग को इस गाड़ी के ना सिर्फ थोड़े दो तीन एंगल्स ही चाहिए. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, दैट मूव इट टारगेट ऑन, लुक एट टारगेट ऑन. और अभी हम लोग जॉन विक के ऊपर कैमरा देखें, सॉरी माइकल विक. भाई मैं भूल क्यों जा रहा हूँ बार बार. ठीक है, अभी हम लोग इसको हटा देते हैं एंड वी आर गोइंग टू सेट इट राइट अराउंड हियर. ठीक है, माइकल विक अपना गाड़ी चला है ना, ऐसा दिखाना है हमको. थोड़ा सा जूम आउट एंड वी आर गोइंग टू सेट इट इन द कार. बहुत बढ़िया. ठीक है, हमको थोड़ा सा एंगल्स चाहिए एंड बूम. ओके, हम लोग इसको सेट कर देते हैं विद अ बिट ऑफ अ ब्लेंडिंग. ठीक है, ये हमने किया एंड ब्लेंड इट ऑल. बहुत बढ़िया. देखो हमने माइकल विक दिखाया जो कि बहुत ही शांति से अपना जिंदगी जी रहा है और अपनी मस्टैंग को चला रहा है एकदम बढ़िया तरीके से. ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे फुल जूम कर देते हैं एंड वी आर गोइंग टू गिव हिम सॉरी लुक एट टारगेट प्लेयर. ये आ जाएगा ये आ गया. सी, तो ये इतना हम लोग क्लिप ले लेते हैं. ये यहाँ से शुरू होगी अपनी क्लिप आई थिंक. हाँ, ये यहाँ से शुरू हुई. थोड़ा सा यू नो माइकल विक जो है वो अपनी गाड़ी के साथ एंजॉय कर रहा है. थोड़ा सा यू नो ड्रिफ्टिंग सीन है, थोड़ा सा
अपना ये इंटीरियर जो उसका हीरो का जो फेस है वो हमने दिखा दिया। फिर यहाँ पे हीरो गाड़ी लेके चला गया, ठीक है। तो ये अपना पहला सीन इतना रहेगा। तो मैं यहाँ पे आगे से इसको क्रॉप कर देता हूँ और पीछे से इसको क्रॉप कर देता हूँ। तो ये पहला सीन हो गया अपना शूट। अभी इसी सीन के अंदर हम लोग एक नया क्लिप ऐड करेंगे। वी आर गोइंग टू ऐड द पेट्रोल पंप सीन, ठीक है। तो यहाँ से तो तुम्हारी गाड़ी का कितना है ऐसा ऐसा वगैरह, ठीक है। तो हम लोग ये वाला सीन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से वी आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हियर एंड यहाँ से माइकल और मद्राजो दोनों बात कर रहे हैं अबाउट दी मस्टैंग, ठीक है। टेक इट अराउंड फ्रॉम प्लेस हियर एंड ये हो गया, ये हो गया एंड ये दोनों के बीच में कैमरा लेके गए। फिर दोनों के साइड पे एक ब्लर आ गया जैसा। फिर हम लोग मिगेल पे थोड़ा सा कैमरा रखेंगे जस्ट सो लाइक ये माइकल को क्वेश्चंस पूछ रहा है ऐसा। यहाँ से रखते हैं माइट लुक हाउ मच फॉर द कार नॉट फॉर सेल ऐसा। इसको घुमा लिया, इसको घुमा लिया, राइट। अभी आई थिंक यहाँ से माइकल हाँ जा रहा है। हमें मीगल का थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। ओके हाँ ये हाउ मच फॉर द कार, यहाँ से माइकल कहेगा नॉट फॉर सेल। माइकल कब मुड़ रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है ना। ओके हम लोग इसको बीच में यहाँ से लेके आ जाएंगे, नाइस। तो दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा। नाउ अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि मीगल के एंगल से माइकल को देख रहा है, ठीक है। ऑलराइट ये एंगल आई थिंक नाइस, ये बढ़िया एंगल है। आई विल टेक दिस वन। अभी एक्चुअली में देखेंगे माइकल को। ऑलराइट गो, माइकल जा रहा है। नो 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 टू वॉच माइकल क्लियर। तो मैं था उसमें, मिगेल था मैं, नाइस। ओके एंड वी आर गोइंग टू दिस कैमरे को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा, सॉरी ये नहीं पीछे जाना था भाई, पीछे जा, रोटेशन ऑफ कर एंड अबे ये ट्री क्या कर रहा है रास्ते में भाई, ये बोलेगा मैं रास्ते में नहीं है तू आ रहा है बीच में। ओके लेट्स गो दे माइकल। अब ये विक जो है वो अपनी मस्टैंग लेके चला गया। दैट्स ये अपना दूसरा सीन भी यहाँ पे हो गया है एडिट। ये पहला यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग कट ले लेंगे। इसमें एक एंगल मेरे को समझ में आ रहा है, थोड़ा ये वाला एंगल ले के देखता हूँ, ये एंगल ले लेते हैं थोड़ा। ओके लेट अस सी कैसा है। हाँ अभी अभी एकदम बढ़िया दिख रहा है कि दोनों बात कर रहे हैं ना, ये बढ़िया दिख रहा है। ऑलराइट ये इसको पूछेगा हाउ मच फॉर द कार, फिर ये पूछेगा इट इज़ नॉट फॉर सेल, फिर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ये चला गया एंड इसको हमने जाते दिखाया, ठीक है, ये चला गया। इसको यहाँ से क्रॉप कर देते हैं। तो सेकेंड सीन इज ऑल्सो डन। ऑलराइट इज नाउ टाइम फॉर द थर्ड सीन जो कि है मिगेल मदर्सो जो है वो जाएगा माइकल को फिर ठोक के वो गाड़ी लेकर चला जाएगा, ठीक है। ओके सो वी आर नाउ हियर। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और ओके यहाँ से हम लोग इसको शूट करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू गो टू माइकल डायरेक्टली और फिर हम लोग उसको ठोकता हुआ दिखाएंगे, ठीक है, मिगेल को। तो यहाँ से वो एकदम परफेक्टली दिखेगा। इसको फुल जूम दे देते हैं, थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फील्ड आएगा। ओके एंड वी आर गोइंग टू सी अवर प्लेयर, ये गाड़ी लेके आएगा ना वो हम लोग देखेंगे। एंड वी आर गोइंग टू अबे सेट हो जाए, सेट हो जाए, सेट हो जाए, सेट हो जाए। ओके नाइस,
इसको मैं लाइव स्ट्रीम में करता हूँ तो थोड़ा और बेहतर पड़ता, क्योंकि आपको लाइव में पता चलता कि भाई क्या है, ये वीडियो में आपको आई थिंक इतना आइडिया नहीं आएगा। और गाइस तो इसने माइकल को ठोका और फिर ओके ये ब्लर, ये क्या कहते हैं इसको, मेरे को थोड़ा सा जूम आउट देना पड़ेगा। ओके यहाँ पे इसने माइकल को ठोका और फिर मदरा जो है वो गाड़ी के बाहर निकला। ठीक है, तो इस एंगल से हम लोग यहाँ पे, पहले ये आया, इसने ठोका माइकल को, गाड़ी से बाहर निकला और फिर ये खाली ठोका उतना ही दिखाऊंगा, और फिर ये जो गाड़ी लेके भाग गया ना वही दिखाऊंगा। ठीक है, नॉट अ लॉट ऑफ स्टफ, क्योंकि हमको ट्रेलर है, हर एक चीज रिवील नहीं करनी। तो ये जूम किया हमने, ये गाड़ी में बैठा और गाड़ी चोरी करके चला गया। अभी हम लोग यहाँ पे रोकेंगे एंड हम लोग यहाँ पे माइकल को दिखाएंगे एज के भाई वो ठोक, उसको ठोक दिया है किसी ने। ठीक है, ये रहा, ऑलराइट, ये अब मद्रास फिर गाड़ी चोरी करके चला गया माइकल की। ये थोड़ा सा वायलेंस वाला होगा बट आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड कि तभी स्टोरी बनती है। मूवी टारगेट नहीं भाई, मूवी टारगेट कौन करता है, ब्लाइंड मोड करने का है। अबे ड्यूड, मैंने ये एंगल ही नहीं लिया था। हाँ ये रहा, नो समटाइम्स आई इवन मेक सम एरर्स, ऐसा नहीं। यहाँ से ये एंगल लेना पड़ेगा तो परफेक्ट ब्लेंड होगा। हाँ ये हो गया, तुमने यहाँ पे माइकल को ठोकता हुआ बता दिया और वो गाड़ी चोरी करके चला गया, तो ये अपना थर्ड सीन भी हो गया है कंप्लीट। शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है शुरू, और ठीक है इसको भी आगे से हम लोग क्रॉप कर देते हैं, फिर हम लोग साथ में ही पूरी क्लिप को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं हर एक क्लिप को यहाँ से एडिट कर रहा हूँ पहले। एंड ऑल्सो प्लीज कीप सेइंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो प्लीज कीप सेइंग द प्रोजेक्ट। मैं भी सेव कर देता हूँ एक बार, सेव, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, क्योंकि मेरे एरिया में लाइट जाती रहती है तो भाई सीन है। ठीक है, क्लिप ऐड करेंगे, ऐड कर ही देते एक दो क्लिप हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, ये वाला भी कर ही देते हैं ऐड, तो फिर दोनों को साथ में अभी यहाँ से इसको एडिट करते हैं। इसको हम लोग चलाएंगे थोड़ा सा आगे, और ये यहाँ से हम लोग लेंगे कि मार्टिन जो है, सॉरी मिगेल जो है वो ये वाली गाड़ी लेके आया। भाई क्या ही लग रही है गेम यार, यहाँ से तो लुक एट टारगेट प्लेयर। ओके और ओके इतना सीन हम लोग जाने देंगे और फिर ये इस मैकेनिक के साथ बात करेगा। ठीक है, खड़ा हो जाए यहाँ पे एंड लुक एट प्लेयर ऑफ बूम, और मिगेल इस मैकेनिक के साथ बात करता है। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, तगड़ी गाड़ी लेके आया हूँ भाई। गाड़ी किसकी है भाई, जॉन विक की है। सटाक, ये हो गया, और हम लोग मैकेनिक के पॉइंट से भी हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया मैकेनिक का पॉइंट। गाड़ी किसकी है भाई, जियान विक। अच्छा हुआ जॉन ग्रूस की नहीं लाया, नहीं तो वो कुछ कुछ बोलता ही नहीं वो। ओके ये हो गया बूम, और इतना क्लिप हमको परफेक्ट मिल गया था। ठीक है, हम लोग आगे पीछे का ट्रिम आउट कर देते हैं सेगमेंट, ट्रिम दिस आउट, नहीं करोगे फिर भी चलेगा ऐसा नहीं है। बाकी बाद में हम लोग एक्चुअल में एडोबे प्रीमियर प्रो में भी हम लोग ये करने ही वाले हैं, एड नहीं करोगे तो भी चलेगा ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कौन से मोमेंट पे ये हिट कर रहा है। ठीक है, ओके यहाँ पे हिट कर रहा है, ये जॉन विक की गाड़ी लेके आया। साले तेरी तो अक्कल वक्कल है या नहीं तेरे को किसी चीज़ की। हम लोग यहाँ पे फुल जूम दे दिया हमने, और हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपने प्लेयर को एंड यहाँ से इसको तमाचा देगा, सॉरी तमाचा ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि वो नीचे भी गिर रहा है ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, वो मस्त लगेगा।
परफेक्ट, इसको थोड़ा सा ब्लेंड दे देते हैं तो परफेक्ट रहेगा। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लेंड दे देते हैं। नाउ लेट अस सी ब्लेंड कैसा आता है। हाँ, और फिर यहाँ पे तुझे पता है किसकी गाड़ी चोरी की है ऐसा दिखाएंगे, तो हम लोग नंबर प्लेट पे जाके विक दिखेंगे, ठीक है विक। ये रहा नंबर प्लेट वाला सीन दिखाएंगे हम लोग अभी। इसको प्ले करेंगे, वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट अ बिट, और ये विक, ठीक है ब्लेंड एंड बूम। और ये जो है मैकेनिक, वो इस गाड़ी को फिर देखने आएगा, ठीक है इसको हमने कर दिया। इसकी गाड़ी चोरी कर दी बे, मेरी भी नौकरी गई तेरी भी गई। ओके परफेक्ट, तो ये भी अपना ब्लेंड दे दिया हमने थोड़ा बहुत। सो थोड़ा यू नो कैमरा घूमता है अपना बच्चा, ये हम कहते हैं इसको हम लोग ट्रिम नहीं करेंगे, वरी नॉट। ऑल राइट, तो ये भी हमने एडिट कर दिया। अब ये अभी अपना माइकल जो है, माइकल विक जो है, वो भी जाएगा अपने वेयरहाउस के अंदर, और वहाँ से वो चेक करेगा दी गन्स एंड ऑल, ठीक है। तभी यहाँ से ना जो मैकेनिक है वो इंट्रोडक्शन देगा माइकल विक का, ठीक है। और माइकल विक यहाँ पे पूरे गुस्से में अपने वेयरहाउस की तरफ जा रहा है, अपने पुराने वेपन्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। लुक एट प्लेयर, मूव विद प्लेयर, एंड अबे इसको और आगे नहीं ले सकता मैं, ये लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा दिए कैमरे में यार। ओके अब बढ़िया है, अब बढ़िया है, बढ़िया है। ओके तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्लोमो में दिखाएंगे, वी आर गोइंग टू टर्न इट 50%। बहुत बढ़िया भाई माइकल, ना माइकल का ये जो लुक है ना भाई, ये लुक एक नंबर है। डू यू अग्री और नॉट भाई, कमेंट में बताओ भाई। ये जो लुक है ना, इस लुक को बीट करना टफ है। अभी हम लोग इसको ऑफ कर देंगे लुक एट टारगेट को, देन वी कैन इजीली फ्री रोम द कैमरा, और इसको साइड एंगल में दिखाएंगे। साइड एंगल में कौन सी बाजू से ज़्यादा लाइट्स आ रही है, आई थिंक ये बाजू से ज़्यादा लाइटिंग आ रहा है। कहाँ गया माइकल, ठीक है हमें थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, जिससे ये जो वेयर हाउसेस के जो टेरेस रखे हुए वो बीच में ना आए। बढ़िया भाई हमको एंगल मिला है एक, इसी एंगल को हम लोग प्ले करेंगे। माइकल के साथ ही कैमरा घूम रहा है, और ये माइकल विक इट इज कमिंग। फिर ये, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा वेपन्स की तरफ, ठीक है इसको हम लोग कर देते हैं प्ले। ओके यहाँ से हमको मूव विद टारगेट को करना है ऑफ, थोड़ा सा प्ले करेंगे, सभी गन्स को एक साथ दिखाएंगे। ये रहा यहाँ पे, एंड वी आर गोइंग टू प्ले इट ऑल। बहुत बढ़िया, इसको हम लोग यहाँ से ब्लेंड इन करेंगे। फिर माइकल यहाँ पे आ जाता है सभी गन्स के पास। फिर हम लोग यहाँ से अगर एक ट्रांजिशन मिलता है ना, तो हम लोग ये वाला कुछ उठाएंगे, ट्रांजिशन जैसा कुछ उठाएंगे, ठीक है। क्या माइकल का ये कपड़ा है, और फिर उसके बाद डिप टू ब्लैक करके वो सीधा बन जाता है ये अपना सूट वाला माइकल, ठीक है। हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अपना कैमरा कैसे हम लोग घुमा सकते हैं जिससे एकदम परफेक्ट ट्रांजिशन आए, ठीक है। वी आर गोइंग टू पुट इट अराउंड हियर, ये बढ़िया रहेगा प्लेसमेंट। ओके हम लोग ये एंगल को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। माइकल का जो सर है वो उस पट्टी के ऊपर है, थोड़ा सा ऐसा है। ओके ओके तो अभी इसका पूरा पट्टी ही चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अब लोग यहाँ से हम लोग एक बढ़िया सा एक ट्रांजिशन दे देते हैं, ठीक है माइकल के ऊपर ये आए। गुस्से में है माइकल पूरा, क्योंकि भाई उसकी गाड़ी चोरी कर ली किसी ने, जो कि बहुत ही खास गाड़ी है उसकी। तो यहाँ से हम लोग फिर उसका ट्रांजिशन लेंगे, एंड वी आर गोइंग टू मेक हिम अ खतरनाक वाला माइकल, ठीक है। तो ये आ गया ट्रांजिशन, वो एडिटर में होगा, ठीक है प्रीमियर प्रो एडिटर में होगा ये पूरा ट्रांजिशन जो होगा, वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इसको सेट कर लेना है जैसे कि पहले था माइकल के पास सेट, ठीक है। आई थिंक यही था सेट बराबर, कोई बात नहीं। हम लोग प्रीमियर प्रो में स्केल करके भी सेट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। इसको प्ले करेंगे, अभी माइकल ये देखो सभी गन्स टेस्ट कर रहा है, एक आंख बंद भी कर रहा है माइकल, देखा। ओके ट्रांजिशन वाला आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा,
कोई बात नहीं, हम लोग गन एम वाला कर देते हैं पॉसिबल। ये बढ़िया लगेगा। माइकल्स ये पिस्टल्स चेक कर रहा है, ठीक है पिस्टल चेक कर लिया। पिस्टल चेक करने के बाद अब माइकल जो है वो शॉटगन चेक करेगा। ठीक है जूम आउट थोड़ा कर लेता हूँ और इस बाजू साइड हो जाता हूँ मैं। कैमरा एंगल्स गाइज, मैंने एडिटर का मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी दे दिए हैं भाई, 4-5 तो वीडियोस होंगे ही रॉकस्टार एडिटर के कैमरा ट्यूटोरियल पे। ये हो गया, माइकल यहाँ पे भी एम कर रहा है। तो आई थिंक इस सभी वेपन्स में से जो सबसे बेस्ट वेपन होगा ना उसी का हम लोग ले लेंगे। स्नाइपर की एक्चुअल में जरूरत नहीं क्योंकि जॉन विक स्नाइपर यूज नहीं करता इतना। ओके बट माइकल विक भी नहीं करता, दोनों में सिमिलैरिटी है भाई, दोनों को अपनी गाड़ी बहुत पसंद है। ओके ये प्ले एंड बूम। ठीक है तो हम लोग यहाँ से एकदम बढ़िया वाला सिलेक्ट किया। अभी माइकल यहाँ से जा रहा है सबको मारने के लिए। ठीक है तो हम लोग को इस सेगमेंट को लेना है स्लोमो में। ओके जूम इन फुल है अपना, बढ़िया। इसको सेट किया हमने, रेंज को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे जिससे अगर वो घूमेगा ना तो थोड़ा एंगल आएगा। हाँ ये एंड वी आर गोइंग टू स्विच इट टू स्लोमो। अभी माइकल आ रहा है, परफेक्ट। कितना हम लोग रखेंगे तो ये माइकल का जो वेपन वाला है उसमें से हम लोग एक दो वेपन वाला उठाएंगे। माइकल जो चल के आ रहा है तब तक जो माइकल विक का जो इंट्रोडक्शन होगा कि वो एक ऐसा बंदा है जिसको भाई मारने के लिए बहुत दिक्कत होगी ऐसा एंड ऑल। तो अभी अपना ये मद्रासो वाला सीन आया। अभी अपने आई थिंक 3 सीन्स बाकी है एडिट करने, उसके बाद हम लोग वापस से प्रीमियर प्रो में जाएंगे इस चीज़ को एडिट करने के लिए। ठीक है यहाँ पे एडिट कैमरा, अभी आपका देखो एकदम शार्प इमेज दिख रहा है ना क्योंकि मैंने गेम फिल्टर लगा के रखा हुआ है एनवीडिया का, इसीलिए तो मेरे को रिकॉर्ड भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है तभी यहाँ से देखो माइकल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा करेंगे। ठीक है ओ डबल हाँ क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अभी भी लोडेड है इसलिए। सीन हो गया भाई, मेरे को एडिटर से बाहर जाना पड़ेगा। तब एक काम करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, इस ये जो क्लिप मैंने इंपोर्ट की ना इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट के साथ भी सीन हो सकते थे। इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज ट्रेलर। ठीक है मैंने इस प्रोजेक्ट को एज ट्रेलर सेव कर दिया। इसको मैं एग्जिट करता हूँ रॉकस्टार एडिटर को, एग्जिट टू स्टोरी मोड क्योंकि मेरे को आई थिंक F9 मेन्यू से कुछ आइटम्स डिलीट करनी होगी, जो कुछ आइटम्स जो अभी होगी गेम के अंदर उसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा मेन्यू मोड से, तो ही मेरा ये जो डबल ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं आएगा। ये एक्चुअल में वन ऑफ द एरर्स ऑफ है, तो ये भाई मैं तो भूल गया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके तो हम लोग वापस से सीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले ना मैनेज एंटिटी डेटाबेस में से ना सभी एंटिटीज़ को निकाल दें। ये देखो ये सभी के सभी एंटिटीज़ पड़े हुए, तो भाई कैसे सीन होगा। ओके यार मेरे को इन सभी को मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है डिलीट और ये हो गया डिलीट। ओके अब रिकॉर्ड क्या कर रहा है भाई। ओके लेट्स गो टू रॉकस्टार एडिटर अगेन एंड लोड प्रोजेक्ट। ये ट्रेलर अपना हो गया, ये ट्रेलर वाला प्रोजेक्ट इसको हम लोग कर देते हैं लोड। ठीक है बहुत बढ़िया, देखो अपनी क्लिप्स वापस आ गई सब कुछ। लोग यहाँ से वापस से अपना एडिटिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमको वो बंदे नहीं दिखेंगे, ठीक है
डबल डबल नहीं दिखे क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट्स थे वो निकाल दिए वापस से। ये देखो अभी देखो वहाँ पे सिंगल खड़ा है बंदा। हम यहाँ पे इसको प्ले करेंगे और हाँ यहाँ से जॉन विक उसके पास आता है ना वो दिखाएंगे हम लोग। ठीक है थोड़ा सा मैंने जैसे बोला था कि मैंने स्टोरी में चेंज किया हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरा अगर सेम टू सेम दिखाएंगे तो शायद से दिक्कत हो सकता है, इसीलिए। तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मदरसा खड़ा हुआ है, लुक एट प्लेयर, अपना बंदा माइकल आएगा यहाँ पे इससे बात करने के लिए। इसको एक ब्लैंड दे देता है थोड़ा। ठीक है ऊपर आ जा भाई ऊपर आ जा। बहुत बढ़िया यार, ये एकदम फुल जूम में ना कैमरा थोड़ा अच्छे से नहीं घूमता। बहुत बढ़िया, अभी ये माइकल आया इसके साथ बात करने के लिए। मद्रासो भी फुल टेंशन में, और माइकल को तो भाई टेंशन ही है क्योंकि माइकल वीक है, वो तो मार के ही रहेगा सबको। ठीक है तो माइकल यहाँ पे देख रहा है मद्रासो को, वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे बेटे ने जो गलती की उसकी उसको सज़ा मिलेगी वॉट एवर जो है। ठीक है इसको ऐसा ऐसे कर लेता हूँ और थोड़ा सा ब्लैंड देता हूँ तो स्लोली स्लोली यू नो एक सिनेमेटिक फील आएगा। राइट यहाँ से हम लोग ऑन दी अदर हैंड मदरसों के ऊपर कैमरा स्विच कर लेंगे, और मदरसों भी एकदम थोड़ा सा टेंशन में है, इसको भी हमने सेट कर दिया है यहाँ पे मदरसों को। और भाई हिम्मत तो देखो भाई, मतलब माइकल की, के इन सभी बंदूक वालों के सामने खड़ा है फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि तीन बंदों को उसने मारा था पेंसिल से तो नहीं हो सकता उनका कुछ भी सीन। तो ये सीन भी अपना हो गया है एडिट। ठीक है आई एम डूइंग इट फास्ट, अगर मैं अच्छे से करूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है बट एक्चुअल में इट इज़ ऑन योर विजन, आपको कैसा लेना है कैमरे, आपको किस एंगल से कैमरे लेना है वो पूरा कम्प्लीटली आपके ऊपर होता है। ठीक है मैं तो खाली आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऑप्शन से क्या होता है। देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइकल सबको गोलियों से मारेगा ना ऐसा क्लिप दिखाएंगे। ठीक है तो रुको मूव इट टारगेट, हम लोग माइकल ऑब्वियसली करेंगे, मूव इट टारगेट हमको चाहिए। अभी देखो जॉन रुक सॉरी जॉन विक जो है, मैं जॉन रुक बोल रहा हूँ क्योंकि जॉन रुक एक्चुअल में इट इज़ माई सीरीज, मैं जॉर्डन मॉन्टी नेट हम लोग सब मिलके एक सीरीज बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया वाली, यू शुड चेक देता हूँ। ये देखो फिर बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे अपनी पहली क्लिप आ गई जो फाइटिंग वाली। फिर हम लोग यहाँ से वापस से स्विच कर देंगे टू गेम कैमरा जिससे हमको एंगल्स मिले। यहाँ पे मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी, ठीक है इसको हम लोग यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। और ये देखो यहाँ पे माइकल बंदे चटका रहे ना यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है ओ इसको तो मारा भी नहीं फिर भी ये तो चटक गया। हाँ होगा ऐसा प्लेयर जो चटका देगा, तो ठीक है यहाँ पे जो जॉन विक है माइकल विक है जो अलग अलग एंगल से लोगों को मार रहा है। ठीक है और ये देखो सूट वाला एकदम इमोट, ये देखो सबको मार रहे हैं यहाँ पे बूम, ये मार रहा है ये मार रहा है ये मार रहा है, गोलियाँ मार रहा है गोलियाँ मार रहा है। बहुत बढ़िया अभी ये रीलोड करेगा तो उसका भी हम लोग क्लिप उठा देंगे। ठीक है गेम कैमरा देखते हैं, हाँ ये यहाँ से ये रीलोड करेगा तो हम लोग इसका लुक एट टारगेट नहीं मूवी टारगेट करेंगे जिससे हम लोग को ना अच्छे से इसका रीलोड का एनिमेशन दिखना चाहिए। ठीक है तो ये माइकल विक जो है यहाँ से इतना इतना दिखाएंगे हम लोग इसको रीलोड का क्लिप। ठीक है ये कैमरा सेट कर दिया हमने भाई, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा अभी तक तो। बहुत बढ़िया ओके इसको हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे। लेट अस सी यहाँ पे अगर इसका रोलिंग जो इमोट है वो है या नहीं। ठीक है लेट अस सी, रोलिंग इमोट है ये रहा रोलिंग इमोट, तो रोलिंग वाला भी ले ही लेते थोड़ा सा एक्शन फुल देखेगा। ठीक है उन लोगों को मेन एक्शन ही है ना अपना पूरा ये सीक्वेंस जो है वो। मैं एक्चुअल में कार रेसिंग वाला भी बनाने वाला था एक ट्रेलर, मैंने बहुत सारी चीज़ों का मैंने देखा कि भाई कौन सा बनाया जा सकता है, बहुत रिसर्च किया इस वीडियो के ऊपर एंड देन आई केम अप विद दिस एक्शन वाला, क्योंकि जिस बंदे ने इस ट्रेलर का वीडियो का जो रिक्वेस्ट किया था ना उनको एक्शन वाला ही सीक्वेंस चाहिए था, तो फिर हमने उसी डायरेक्शन में गए हम लोग। ओके यहाँ पे कुछ पीछे कुछ चीज़ है जो कि बीच में आ रही है, ठीक है हम इसको ऊपर ले लेते कोई टेंशन नहीं है, वापस से वही करेगा। ठीक है कोई बात नहीं हम लोग इसका एंगल ही नहीं देते फिर, अगर तुमको ऐसा ही करना है ना तो हम लोग इसका एंगल ही नहीं देते हैं फिर, यहाँ पे इसको ऐसे स्विच कर देते हैं। बहुत बढ़िया हाँ ये यहाँ से ऐसे बुलाटी, अबे
मुंह, अच्छा मुंह मेरे को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए। ये देखो फुल जूम में ना ऐसा होता है, कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन से ऑब्जेक्ट में टकरा जाते हो, फिर आप लोग मूव नहीं कर सकते उस ऑब्जेक्ट से। दैट्स द थिंग ऑफ फुल जूम। बट फुल जूम में आपको डेप्थ ऑफ फील्ड जो मिलता है ना, वो एक नंबर मिलता है। ठीक है, हमने यहाँ पे गुलाटी भी ले ली। गुलाटी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लो मोशन में। हाँ बहुत बढ़िया, चलो गुलाटी को हमने ले लिया। अभी हम लोग मार्टिन और उसका हम लोग क्लिप लेंगे, ठीक है। तो मार्टिन वाला क्लिप ये रहा, और ये यहाँ पे अपना कंप्लीट होगा, ये फाइनल होगा। इसके बाद हम लोग इस क्लिप को एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, ठीक है। तो उसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा विद द एनवीडिया, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में ये जो फिल्टर मैंने लगाया है ना, एनवीडिया का गेम फिल्टर, वो एक्चुअल में मेरे को चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देखूंगा कि हम लोग कहाँ से गोली मारना एक्चुअल में शुरू कर रहे हैं। ओके, मूव विथ टारगेट भी हम लोग कर देते हैं, और मदाजो गोली मार रहा है ना वो दिखाएंगे पहले, कि मदाजो भी जॉन विक के साथ, मदाजो भी लड़ रहा है, मदाजो भी लड़ रहा है विक के साथ, ऐसा दोनों दोनों सब कुछ ऐसा, यू नो, दोनों लड़ रहे हैं ऐसा मेरे को दिखाना है। कि ये भी पीछे नहीं हट रहा, ये भी पीछे नहीं हट रहा, ठीक है। ये पहला ये हो गया, फिर अभी हम लोग देखेंगे मिगेल को, ये भी मार रहा है, ये भी पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। ये एक्चुअली फायर नहीं कर रहा, ये कई बार ना इन पेट्स को पता नहीं क्या होता है दिक्कत, कि इनको फायर करने की भी तस्ती नहीं लेते ये लोग, और सब लोग तो हमको मारते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको कुछ कुछ क्लिप्स आ रहे हैं बढ़िया वाले, ठीक है। ओबे हाँ, हम लोग इसको छोड़ के चले गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा ब्लैंड दे देते हैं, थोड़ा ऊपर ले आते हैं, जिससे मिगेल माइकल जो है वो बीच में ना आए। बहुत बढ़िया, हाँ ये देखो माइकल आ रहा है, माइकल आ रहा है, माइकल आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ये सभी क्लिप्स मिल रहे हैं मेरे को बढ़िया वाले, और ये अपना एंडिंग होगा, ठीक है। तो कुछ क्लिप्स अपना जॉन विक गोली मारेगा, कुछ क्लिप्स में ये लोग गोली मारेंगे। लेट मी सी, इन लोग का गोली जो मैंने मारा वो डिसेंट एक्चुअल में एडिशन है या नहीं, डिसेंट एडिशन है। ये भी करेगा करेगा, पर ये एक्चुअल में फायर नहीं कर रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ओके, फाइटिंग हुआ है, बहुत बढ़िया। अभी ये अपना पूरा प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट। इसको पहले तो करना है सेव, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट बहुत जाती है और दिक्कत होता है। तो हम लोग इसका फुल स्क्रीन प्रीव्यू के ऊपर करेंगे, ठीक है। और फिर मैं अपनी इस रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, एंड लेट मी रिकॉर्ड इट फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ फटाफट से फुल स्क्रीन प्रीव्यू करके। तो चलो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं एडोबे प्रीमियर प्रो के अंदर, और अभी हम लोग एडिट करेंगे अपने जो क्लिप निकाली उसको, हम लोग एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्ट करेंगे सभी क्लिप्स को। तो ये है भाई अपनी रॉक्स एडिटर की क्लिप, जो कि है 7 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स की, और ये अपना मूवी ट्रेलर का जो है म्यूजिक, ये है, ये 2 मिनट का म्यूजिक है, ये 7 मिनट्स का, मैं इसको कन्वर्ट करना है। और ये फायर पार्टिकल बैकग्राउंड जो मैंने डाउनलोड किया है वो, ये अपना जो टेक्स्ट आता है ना ट्रेलर का, के ऑन संडे इट इज़ रिलीजिंग ऑन, जो आता है ना ट्रेलर के बीच में, के पठान ये है वो है वॉट एवर जो है ना, वो ऐसा सीन है, ठीक है। तो ये हम लोग इन तीन चीज़ों को अपलोड कर देते हैं इन दी सॉरी इंपोर्ट कर देते हैं इन दी प्रीमियर प्रो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन के अंदर डालेंगे अपनी ये जो 7 मिनट्स की क्लिप है, उसको हम लोग टाइमलाइन के अंदर डालेंगे। तो ये है अपना भाई, यहाँ पे आ गया रॉकस्टार एडिटर का सीन। तो सीन ये है, मेरे को ऐसा दिखाना है, थोड़ा सा जॉन विक टाइप दिखाना है, बट बिट अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। जॉन विक का जो ट्रेलर है उससे हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें की है इसके अंदर, बट हमने थोड़ी सी चीज़ें अडेप्ट की है उसमें से, ठीक है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली द जॉन विक ट्रेलर। जो भी लोग बोलेंगे अगर कमेंट्स में कि भाई ये तो सेम टू सेम डिटो कॉपी नहीं है, भाई मैं डिटो कॉपी नहीं कर रहा, पहली बात तो आई एम जस्ट टेकिंग देयर कॉन्सेप्ट, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना मिर्ची थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सब कुछ उसके ऊपर से नहीं किया, तो उस हिसाब से वी आर गोइंग टू सेट द ट्रेलर, ठीक है। अभी म्यूजिक की अगर हम बात करें, तो ये जो म्यूजिक है, ये ट्रेलर म्यूजिक जो है वो एक्चुअल में एक कॉपीराइटेड म्यूजिक है, बट उसका भी एक फंडा है। इस म्यूजिक का मैं अगर दे देता हूँ क्रेडिट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मेरी चैनल के ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। कौन सी म्यूजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेट मी गो टू अ ब्राउजर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो म्यूजिक यूज किया है
वो ये वाला है, अपना साउंड राइड म्यूजिक करके चैनल है, साउंड राइड म्यूजिक। इस चैनल के अंदर गाइस आपको बहुत सारे ट्रेलर के म्यूजिक आ जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ट्रेलर के म्यूजिक आ जाएंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको कोई भी अच्छा वाला एक म्यूजिक सिलेक्ट करना। ताकि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं भी बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं ये वाला म्यूजिक नहीं यूज कर रहा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली कोई भी म्यूजिक आपको पसंद आए उठा लेना है। और ये देख सकते हो यहाँ पे आपको ये क्रेडिट का जो दिख रहा है ना, ये आपको ये चीज़ें लेनी है, आपको इतनी चीज़ें कॉपी करनी है। और वीडियो का लिंक आपको यहाँ से शेयर करके यहाँ पे इसको कॉपी करना है, जिससे वीडियो का लिंक भी आ जाएगा। तो आपका ये क्रेडिट्स के लिए सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, क्रेडिट के लिए बस। उसके आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है इस ऑडियो को, तो आपको सिंपली ये जो लिंक है ना, फ्री डाउनलोड एंड स्ट्रीम्स वाले पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन जस्ट हिट द डाउनलोड बटन, ठीक है। मेरा यहाँ पे एक्चुअल में वेलोरेंट का डाउनलोड चल रहा है, इसलिए ये मेरा स्लो है स्पीड। आपको यहाँ से डाउनलोड बटन को हिट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे। एंड आपको ड्रॉप बॉक्स में ले जाएंगे ये लोग। एंड ड्रॉप बॉक्स में से आपको सिंपली साइन इन, अगर करने के बाद आपको साइन इन नहीं करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू साइन इन। आपको सिंपली ये जो डाउनलोड बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे आपका फाइल हो जाएगा डाउनलोड। अगर आपको साइन इन साइनअप का कहता है, तो आपको यहाँ से क्लोज कर देना होगा विंडो। आपको सीधा इसको डाउनलोड बटन के प्रेस करके डाउनलोड कर लो। इससे आप विदाउट कॉपीराइट आप लोग म्यूजिक यूज करते हो। बट ध्यान रखना कि भाई ये क्रेडिट जो है वो अच्छे से आना चाहिए। सिर्फ इतनी ही चीज लिखनी है भाई क्रेडिट में, और कुछ नहीं लिखना बस। और आपका अगर चैनल मोनेटाइज्ड है मेरी तरह, तो भी आप लोग ये म्यूजिक फ्री में यूज कर सकते हो। देखो देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ, यू कैन यूज इट इन वीडियोज विथ मोनेटाइजेशन, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड एड क्रेडिट्स। मैंने अपने दूसरे चैनल से इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब हिम राइट नाउ एज वेल, नो वरीज, क्योंकि बहुत अच्छी म्यूजिक मिलती है। मैं अपनी जॉन ब्रूस की सीरीज में भी कई बार इसकी म्यूजिक यूज करता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं म्यूजिक कहाँ से लाया हूँ मैं, ठीक है। तो ये अपना म्यूजिक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपलोड, ठीक है। और मैं अभी फिलहाल के लिए ना इसको मैं कर देता हूँ म्यूट, क्योंकि मेरे को अभी नहीं सुनना है इसको, ठीक है। पहले तो मैं सभी कड़िया निकालूंगा अपनी ट्रेलर्स में से, ठीक है। तो सबसे पहला जो सीन होगा वो माइकल अपनी गाड़ी चला रहा है, वो वाला सीन होगा, ठीक है। तो ये पहला सीन हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे एक्चुअल में मैं एक सीन ऐड करने वाला हूँ अबाउट दी, ये एक फायर बैकग्राउंड है, एज यू कैन सी राइट हियर। ये मैं लाया हूँ फ्रॉम द यूट्यूब, जहाँ पे मेरे को मैंने सर्च किया यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर मैंने सर्च किया कि फायर पार्टिकल बैकग्राउंड, ठीक है। उसमें से मेरे को एक वीडियो मिला जिसमें वो यूज़र बोल रहा था कि यू कैन यूज़ इट फॉर फ्री विदाउट एनी कॉपीराइट क्रेडिट, नो वरीज, उसकी तरफ से कोई वरीज नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस क्लिप को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहिए, तो आप वो वाला उठा लो, ठीक है। तो मेरे को इस बैकग्राउंड में से एटलीस्ट 5 सेकेंड्स तो चाहिए ही, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 05 सेकेंड्स, एंड आई एम गोइंग टू प्रेस आउट ऑफ हियर। और ये जो है मैं खाली इसका ऑडियो लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये अपना बैकग्राउंड आ गया। अभी इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अपना ब्लर ब्लर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे ना एडोबे प्रीमियर प्रो के अंदर मैं कुछ इफेक्ट्स जो की है वो रेगुलरली यूज़ करता हूँ। तो इसका मैंने कस्टम बिन बना के रखा हुआ है इस इफेक्ट्स का। तो ये सभी जो इफेक्ट्स है वो मैं रेगुलरली यूज़ करता रहता हूँ, जैसे अल्ट्रा की हो गया, मेरा वॉइस प्रीसेट हो गया, फिर गॉशन ब्लर हो गया, ये ब्लर वाला प्रीसेट जो हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे आके लगा देता हूँ, जिससे मेरा ये जो क्लिप है उसमें ब्लर आ गया है। अब मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट सेट करता हूँ। तो ठीक है, टेक्स्ट बटन दबा के मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को एक विंडो बना दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉरी लिख देता हूँ, यहाँ पे पीछे 2-3 डॉट्स भी दे देता हूँ। अभी मैंने इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया विद कंट्रोल एंड ए, फिर यहाँ पे गया मैं इफेक्ट्स कंट्रोल्स के ऊपर, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हिट दिस विंडो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डीसिलेक्ट हो गया, तो मैं वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं अपना एक फॉन्ट ले रहा हूँ, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट फॉन्ट है, गॉथम। ये जो फॉन्ट है ये कमर्शियली फ्री यूजेबल फॉन्ट है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो कि आप कमर्शियली फ्री यूज़ कर सकते। कमर्शियली मतलब अगर आपका वीडियो मोनेटाइज है या फिर नहीं है, आप YouTube पे यूज़ कर सकते हो ऑन अ फ्री बेसिस, ठीक है। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो कि वो होते हैं अपने कॉपीराइट वाले फॉन्ट्स होते हैं। तो दिक्कत हो जाती है कई लोगों को कि भाई एक फॉन्ट की वजह से भाई आपको नहीं चाहिए किसी चीज़ का लफड़ा, ठीक है। तो लोगों इसको जस्टिफाई कर दिया मैंने, ओके चलो बहुत बढ़िया। वंस अपॉन अ टाइम को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है,
और इसको थोड़ा सा बोल्ड दे देते हैं और इटालिक दे देते हैं मैंने ना। ओके बहुत बढ़िया, अब ये सेट हो गया है वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम सेट हो गया। ये देखो म्यूजिक अपना म्यूट है इसलिए आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, मैं पहले सभी क्लिप्स को निकालता हूँ कि कौन सी ज़रूरी वाली क्लिप्स है और कौन सी ज़रूरी वाली नहीं है। तो मैं गाड़ी वाला थोड़ा सा लूँगा। ठीक है, तो गाड़ी वाला मेरे को लाइक इतना चाहिए कि एक असैसिन है। ठीक है, जो कि देखो ये 5 सेकेंड्स का है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी वाले की क्लिप को मैं एटलीस्ट 10 सेकेंड्स तक ले लेता हूँ। तो मैंने इसको कर देना है कट। ठीक है, तो मेरा इतना पहला जो क्लिप आएगा गाड़ी वाला, इतना पहला आएगा। फिर उसके बाद वापस से मेरा ये वाला आएगा कि एक असैसिन था जो कि रिटायर हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। एंड इन दोनों क्लिप्स को सिलेक्ट करके मेरे को ऑल्टर होल्ड करके रखना है। पहले हमें ऑल्टर होल्ड करना है एंड देन इसके ऊपर क्लिक करके हमें यहाँ पे आ जाना, जिससे ये डुप्लीकेट कर लेगा दोनों को। ठीक है, अभी इसको मेरे को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट किया एंड रिटायर्ड असैसिन। ठीक है, रिटायर्ड असैसिन। तो मेरे को इतना ध्यान रखना है कि मेरे को ना इस म्यूजिक के एंडिंग तक का मेरे को इस ट्रेलर को बनाना है। ठीक है, दिस इज, मैं आपको ये बेसिक एडिटिंग भी सिखा रहा हूँ एंड ऑल्सो शोइंग यू के भाई आप कर कैसे सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो है अबाउट द एडिटिंग। ठीक है, तो रिटायर्ड असैसिन का, ठीक है, इसमें से मैं देखता हूँ कि कौन सी मेरी सबसे बेस्ट क्लिप है। तो ये माइकल का फेस दिखाना है मेरे को एज अ रिटायर्ड असैसिन, तो भाई लिविंग हिज लाइफ ऐसा। फिर यहाँ पे करूँगा मैं एक और को कट। मेरे को शायद से ये जो मैंने 5 सेकेंड्स दिया इसको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, बाद में मैं इसको कट कर दूंगा ऑन अ 3 3 सेकेंड्स नोट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा लिविंग पीसफुली। ठीक है, ये पीसफुली थोड़ा सा आगे आ गया तो इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा हम लोग। बढ़िया, ठीक है, ये हो गया लिविंग पीसफुली। में हम लोग क्या करेंगे कि गाड़ी वाला अपना यहाँ पे सीन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग ना इस साउंड को सुनेंगे। ठीक है, क्या क्या चक्कर है। ठीक है, ये तो ऐसा 5 सेकेंड थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हाँ, 5 सेकेंड्स ना थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इनके लिए। ठीक है, तो मैं जो मैं सोच रहा हूँ कि अपना ये जो है ना, ये वाला क्लिप वो इस ऑडियो सेक्शन पे आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को इसको छोटा करना पड़ेगा फॉर लाइक 3। ओके, 3 सेकेंड पे ही डायरेक्टली आ गया, तो ठीक है छोटा कर लेते हैं 3 सेकेंड के लिए। इसको छोटा किया हमने 3 सेकेंड्स एंड इसको हम लोग कर देंगे कट। ठीक है, ओके, अब मेरा लगता है परफेक्ट कट आएगा। ओके, यहाँ पे इसको कट देना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ और इसको आगे लेके आ जाता हूँ। तो ये भी देखो यहाँ पे आ गया। ऑडियो वेव फॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि भाई ऑडियो गेन कब हो रहा है और ऑडियो कम कब हो रहा है। देखो लिविंग पीसफुली आया, तो लिविंग पीसफुली को भी मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। ठीक है, एकदम मार्कर की तरह आपका मेन ये आपका ऑन रहना चाहिए, जो स्नैप है ना ये आपका ऑन रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, देखो पहले से दिखाता हूँ आपको। अभी मैं क्लिप ये दिखाऊंगा कि वो जो पेट्रोल पंप पे था ना, वो वाले क्लिप दिखाऊंगा। ठीक है, तो पेट्रोल पंप वाला शायद से यहाँ से, हाँ यहाँ से ही शुरू होता है। ओके, ये हम लोग यहाँ से कट देंगे और देखेंगे पेट्रोल पंप वाला सीन जो है वो एक्चुअल में कितना लंबा है और उसमें से हम लोग कितना कटिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये है, तो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ से, कितना कट दिया। ओके, इतना कट दिया कि यहाँ पे हम लोग एक और वो लगा देंगे अपना टेक्स्ट वाला बार। ठीक है, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि समवन वांट्स टू बाय हिज कार, तो इसमें ये मिगेल मदराजो जो है वो आएगा, या तो बट द पीस डिडंट लास्ट लॉन्ग, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं कि
बट वन डे ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये प्रीमियर का थोड़ा सा सीन है, कई बार आपको प्रीव्यू में दिक्कत देगा, ठीक है, कई बार लैग होगा प्रीव्यू में। बट वन बैड डे, तो उसमें डायरेक्ट मिगर का ही फोटो हम लोग ले आएंगे, ये जो बीट आएगी ना उसमें, चलो हम लोग बीट बाई बीट भी कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से। ओके, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। समवन हैड आई ऑन हिज कार, ठीक है, तो ये इस क्लिप को हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे समवन हैड आई ऑन हिज कार, ठीक है, ये लिख देते हैं हम लोग, तो समवन हैड आई ऑन हिज कार, ठीक है, इसको मैं कर दे रहा है छोटा। ओके, ओके, ये मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो क्लिप है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लाते हैं, तो ये जो आता है ना, तब यहाँ पे माइकल का एक्सीडेंट होगा, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस क्लिप को कर देंगे एक्सटेंड, वी आर गोइंग टू सी के क्या माइकल यहाँ से लीव होता है। ओके, हम लोग यहाँ पे एक कट दे देते हैं एंड हम लोग यहाँ से क्लिप उठा लेते हैं। माइकल यहाँ से जाएगा ना, वो वाला क्लिप, ठीक है, ये वाला क्लिप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं पहले इतना उठाता हूँ, इसको मेरे को लेके जाना है यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, तो ये अपना सेट हो गया। अभी अभी क्या होगा सीन, ये जो बीट आया ना, इसमें माइकल के ऊपर होगा अटैक, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जो मेरा माइकल वाला क्लिप है ये रहा, तो मेरे को बीट के साथ सेट करना है, ठीक है, तो मेरे को इतना इतना, हाँ इतना चलेगा, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ऑन। ठीक है, अभी दूसरे क्लिप में वो ये देखो गाड़ी में बैठ गया और अभी हम लोग गाड़ी को लेकर जाएंगे। ठीक है, ये गाड़ी लेके जा रहा है एंड ये लास्ट में जो माइकल गिरा हुआ है ना, ये वाला क्लिप, ठीक है, हम लोग इसको उठाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट कर लेंगे कि अ बिग मिस्टेक, ऐसा करके अ बिग मिस्टेक स्टार्ट्स अ वॉर, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, अ बिग मिस्टेक स्टार्ट्स ए वॉर, या कई बार बीच में ना ऑटो सेव करेगा आपका प्रीमियर प्रो जो है, वो एक्चुअल में सेफ है ऑटो सेव, अगर वो करता है तो मैं एक बार सेव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में ना लाइट बहुत जाती है, कई बार ऐसे ही चली जाती है विदा किसी रीजन के, तो भाई मेरा कई कई टाइम ना सेव नहीं होता कुछ चीज़ें, तो उसकी वजह से भाई मैं सेव करके ही रखता हूँ हर एक चीज़ें। ओके, ये क्लिप हमको नहीं लेनी थी, हमको लेनी थी ये जो मैकेनिक के पास आया ना, ये बेचने के लिए गाड़ी, ठीक है, हम लोग एक्चुअली में डायलॉग नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि देखो मेरा वॉइस इतना अच्छा है नहीं, और यू नो आई एम लुकिंग फॉर अ कपल ऑफ न्यू माइक सेटिंग्स, क्योंकि मेरे पास जो माइक है, जैसे कि मैंने आपको पीसी सेटअप में दिखाया, जो मेरे हेडफोन का ही माइक मैं एक्चुअली में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी क्वालिटी हाल फिलहाल में इतनी अच्छी नहीं है, बट इतना अच्छा है कि भाई नॉइस सपरेशन दे रहा है वो, जिससे मेरे आजू बाजू जो आवाज़ हो रहा है वो आपको नहीं आ रहा, ठीक है, वो अच्छा एक चीज़ है। ठीक है, ये बेचने आया यहाँ पे इसको गाड़ी, यहाँ पे, यहाँ पे, ओके, ये ऐसा किया, ओके, ये जो बीट आएगी ना उसमें ये उसको लाफा मारेगा, ठीक है, यहाँ पे ही होगा ऑब्वियसली, हाँ ये रहा, ठीक है, लाफा कहाँ से मार रहा है ये,
ओके यहाँ से के भाई तूने किसकी गाड़ी चोरी की तेरे को अक्सर होटल में कितने ओके मैसिंग विथ एन असैसिन नॉट गुड ब्रो नॉट गुड। अभी असैसिन फुल मूड में अपना माइकल विक जो है वो फुल गुस्सा हो चुका है और मेरे को अभी इतनी गर्मी लग रही है ना भाई, पंखा बंद किया हुआ है मैंने, बहुत गर्मी लग रही है सच में इस बार की गर्मी में ना, लिटरली बहुत है यार। आई एम लाइक फुल्ली यार क्या चक्कर है, इतना ख़राब गर्मी लग रहा है और मेरे को एक्चुअली ना रिकॉर्डिंग पंखे के बिना ही करनी पड़ती है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाता है। हाँ ये वाला यहाँ से हम लोग उठाते हैं ठीक है। तो माइकल एकदम फुल गुस्से में अभी के यहाँ से लेते हैं, ये बेस्ट पड़ेगा भाई, ये एंगल बेस्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पे हो गया, अभी हमारे पास एक्चुअल में कितना टाइम है इस क्लिप में। ओके म्यूजिक ऑडियो में इतना टाइम नहीं है तो हमको जो भी करना है वो ना फटाफट करना पड़ेगा ठीक है। ठीक है यहाँ पे मैं एक ऐड करूँगा दैट ही इज ऑन अ रिवेंज मिशन ठीक है। द असैसिन सीक्स रिवेंज ठीक है। ये देखा असैसिन सीक्स रिवेंज और यहाँ पे इसको बड़ा करके देखते हैं कितना। ओके बढ़िया ठीक है, ये बढ़िया रहेगा ठीक है। अगर कोई क्लिप उड़ानी पड़े ना तो वो भी उड़ानी पड़ेगी हमको इसमें सेट करने के लिए ठीक है। ओ भाई देखा क्या सिंक, देखा क्या भाई एकदम बीट पे ये गन जा रही है बट एक्चुअल में नहीं आएगी भाई। बढ़िया सिंक था यार, बढ़िया सिंक था। हाँ देखो मेरे को एक्चुअल में एंगल मिल गया है, मेरे को कैसा एंगल लेना है ठीक है। तो इसको मैं पहले यहाँ पे लेके चले जाता हूँ एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी सॉरी नहीं हुआ, मेरे को लगा था वो यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं आई विल सेट इट नो वरी ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सेट किया, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट सबसे पहले ना इसको लेके जाऊँगा मैं पीछे, इसको लेके आऊँगा मैं आगे, लेट मी टेक इट अराउंड हियर और ये क्लिप आ जाएगी यहाँ पे ठीक है। आई एम गोइंग टू गो थ्रू मार्कर्स एंड ओके ओके 2 सेकंड लेट है बट अभी भी लाइक यू नो थोड़ा सा अगर हो जाता ठीक है नहीं एक आइडिया है, ये जो वेपन्स दिख रहा है ना ठीक है, हम लोग इस वेपन्स से हम लोग उसका एक्चुअल में ओरिजिनल रूप दिखाते हैं ठीक है। वेपन्स दिखाए और वो यहाँ से एक एक्चुअल में वेपन लेके जा रहा है ठीक है, वो वाला क्लिप लगाते हैं वो बढ़िया रहेगा। हाँ ये वाला क्लिप, जो ये वाले क्लिप की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है। अभी यहाँ से ना पूरा उनका फाइट सीन वाला दिखाऊंगा मैं और इन दी एंड जो माइकल रिलोड कर रहा है उसका मैंने जो क्लिप लिया है ना वो एकदम एंड में, उसके बाद माइकल की मूवी का नाम ठीक है। ओके यहाँ से हम लोग पूरा फाइट दिखाएंगे ठीक है। तो फाइट एक्चुअल में शुरू कहाँ से हो रहा है, रुको रुको इसको तो पहले बंद करो। आई थिंक यहाँ से फाइट ये सीन मैं निकाल रहा हूँ, ये मद्रासों को मिल रहा है क्योंकि इस सीन में एक्चुअल में दम नहीं है, वो मूवी में अच्छा रहेगा सीन पर मूवी में नहीं बनाने वाला। एक्चुअल में इस वीडियो को ना मैं लाइव स्ट्रीम में ही करने वाला था बट यू नो लाइव स्ट्रीम में आई डोंट नो अगर आपको लाइक पसंद होता तो भाई कर ले।
ओके चलो गए तो लेट्स कंटिन्यू। थोड़ी बहुत सी इंटरप्शन आ गई थी मेरे ऊपर, बट लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, हमने इतना कर लिया, ठीक है। अब मदरसों के साइड का दिखाते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइट किया था माइकल के, थोड़े जो सीन होते हैं ना उसको मैं साइड पे ले लेता हूँ, ठीक है, जो मेरे को बाद में हेल्प करेंगे। अभी हम लोग बीच में मदरसों का इंसर्ट करेंगे, तो माइकल के जितने भी सीन है ना उसको मैं पहले देख लेता हूँ कितना है, और फिर उसको हम लोग ले लेंगे साइड में। तो आई थिंक ये कितना है, इसको हम ले लेते हैं साइड में। आगे देखते हैं भाई आगे का क्या चक्कर है। ओके ये वाला भी, ये एकदम एंडिंग वाला सीन है, ठीक है। ये जो रिलोड वाला है ना ये एकदम एंडिंग में होगा, राइट। तो ये सीन शुरू होता है यहाँ से, लेट्स गो फ्रेम बाय फ्रेम। ओके ये बढ़िया है, ये यहाँ से शुरू होगा। ओके ये यहाँ दूसरा जो है, यहाँ पे माइकल है गुलाटी, ये एक सीन, ठीक है ठीक है, ये हो गया। तो ये जाएगा ऑन दी सेकेंड लास्ट सेक्शन, और ये एकदम लास्ट सेक्शन में जाएगा, तो इसको हम लोग लास्ट में डाल देते हैं। अब हम लोग जाएंगे मद्राजो के सेक्शन पे, और व्हाट आर दी मद्राजो स्टफ। ओके ये मद्राजो का रहेगा, तो इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, ठीक है। मद्राजो के लिए कितना स्टफ है, तो ये देखो थोड़ा सा अटकेगा भाई, क्योंकि एक तो सिंगल स्टिप रैम है ना मेरा, तो उसमें ये प्री में दिक्कत देता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई बार ऐसा अटक जाता है फिर एकदम बढ़िया चलता है। ओके तो मद्राजो का ये आ गया, और अभी मिनी मद्राजो का भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये हो गया मिनी मद्राजो का, इसको मिगेल नहीं बोलते लोग, मिनी बोलते हैं, ये मिनी वाला है। फिर देखो अभी अपने पास ना क्लिप्स यहाँ पे खत्म होने वाली है, और ये सभी आने वाली नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको रिवर्स में भी कर लेंगे। ओके इसको हमने यहाँ पे कट करना है, और इसको अभी ना, ओके ये भी एक है बढ़िया वाला इमोट, इसको भी हम लोग उठा लेते हैं। ये देखो ये इसको हम लोग ना एज अ रिवर्स ले सकते हैं। ये देखो यहाँ से ये जो क्लिप है ना, ये वाली क्लिप, इसको हम लोग एज अ रिवर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मिगेल जो है वो आगे आ रहा है मारने के लिए, चलो भाई इसको रिवर्स करके आते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से आगे लाता हूँ, क्लिप सिलेक्टेड है, राइट क्लिक, स्पीड एंड ड्यूरेशन, रिवर्स स्पीड, फ्रेम सैम्पलिंग, ऑप्टिकल फ्लो, राइट। तो ये अपना क्लिप रिवर्स हो गया, बट देखो यहाँ पे आपको एक्चुअली में यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो मार्कर ना, ये रेड कलर का है, ये रेंडर्ड नहीं है, इसलिए ये ना अभी लैग होगा। जैसे ही मैं प्ले करूँगा ना ये लैग होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये रेंडर्ड नहीं है। इसका ऑडियो निकाल देता हूँ, और ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। बीच में माइकल के सीन आएंगे, देखे पहला, देखो यहाँ पे मदराजो मार रहा है, तो इस सभी क्लिप्स को थोड़ा हटा के मैं माइकल की पहली वाली क्लिप को यहाँ पे उठा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक्चुअल में वर्डिंग्स भी आएंगे। ओके तो यहाँ पे आएंगे द वॉर बिगेंस, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्लिप को सिलेक्ट किया, ऑल्टर होल्ड, लेफ्ट क्लिक एंड देन जस्ट डुप्लीकेट देम। अभी यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इमेजिन की द वॉर, द लिखूँगा वॉर, और जो वॉर है ना उसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। सॉरी इफेक्ट कंट्रोल सिलेक्ट वॉर, टेक्स्ट इफेक्ट, सॉरी टेक्स्ट, वंस अपॉन अ टाइम नहीं मेरे भाई, ये वाला, हाँ वॉर को बड़ा कर लेते हैं, और इन सभी को थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं, ठीक है। द वॉर बिगिंस, बढ़िया। ठीक है इसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, इट इज मद्राजो वर्सेस माइकल, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मद्राजो वर्सेस माइकल विक, ठीक
माइकल वीक। ये देखो लैग हुआ ना, फिल्ड विथ एक्शन। ये देखो लैग हुआ ना, ये रेड पे आ गया, इसे लैग हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो क्लिप के आखिर स्टार्टिंग में आए आई दबाया, क्लिप के एंडिंग में आए ओ दबाया, गो टू सीक्वेंस रेंडर इन एंड आउट। अभी इतनी ये जो इन एंड आउट हमने सेगमेंट सिलेक्ट किया ना, ये शायद से होगा कुछ 4 to 5 seconds समथिंग, तो इसको रेंडर करेगा। बट अभी मेरा रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, इसलिए ये चमन आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखो कितनी जल्दी इसने आगे भी ले लिया। वेलोरेंट कितना हो गया मैडम, वेलोरेंट पॉज किया हुआ है मैंने। अच्छा अरे फॉरगॉट कि मैंने वेलोरेंट को पॉज किया हुआ है। ओके इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, आई डोंट नीड, मैं बाद में देख लेता हूँ, पहले तो क्लिप देख लेता हूँ कि माइकल और दोनों का क्लिप ऑल्टर हो रहा है या नहीं। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शुरू होगा ठीक है। सिंक में लेके आना पड़ेगा मेरे को, तो इतनी चीज को निकाल दो, इतने को आगे लाओ। ये आगे की क्लिप मेरे पे यूज होगी ठीक है, तो आगे की क्लिप को मैं आराम से यूज कर सकता हूँ, जस्ट टू यू नो बीट बाय बीट हम लोग मैनेज करते हैं सब ठीक है। तो लेट्स मैनेज इट। Who will win? ठीक है Who will win? ऐसा आएगा ठीक है। अभी इन एंड आउट अभी है सिलेक्टेड, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्शन वाले को ना हम लोग थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, एक कॉपी मार के, सॉरी ये एक्शन वाला जो सीक्वेंस है ना उसको भी हम लोग कॉपी मार के आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना एक्शन ड्रामा मच मोर ठीक है, माइकल वर्सेस विल विन ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया कि हु विल विन ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा सा डिलीट कर देते क्योंकि दोनों मैंने कॉपी कर दिया गलती से। ठीक है इसको हमने निकाल देना है, और ये स्लोमो वाली क्लिप है ठीक है। इन एंड आउट सेगमेंट को ना अभी तो साइड आगे देखते हैं, आगे कुछ है क्लिप अच्छी, आगे क्लिप अच्छी नहीं है ठीक है। तभी मेरे पास कौन सी क्लिप है पड़ी हुई जो कि अच्छी है, तो ये माइकल की एक क्लिप है आई थिंक, यहाँ से इसका सिनेमैटिक एंड होता है। ओके ये मिगेल का नाम लोग पीछे से लेके आएंगे, इसको अभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ये हो गया, देखो थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है ठीक है, उसको मेरे को कवर अप करना है। मैं एक एक चीज कर सकता हूँ, Who will win यहाँ पे थे ना, एक्शन ड्रामा एंड मच मोर ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार, द वॉर बिगिंस माइकल विक वर्सेस, अब ये है एक्शन ड्रामा मच मोर, हु विल विन मद्रास
और ये क्या है, और माइकल विक, ठीक है। एंड ऑल्सो ये मेरा स्पेस रिकवर तो नहीं कर सकता इतना तो, सॉरी। ओके, ये सिंपल एक बेसिक एडिटिंग है। अभी जो लोग जो एक्चुअल में ट्रेलर बनाते हैं मूवी का, वो तो एकदम ही हाई लेवल है भाई। मेरा उतना लेवल नहीं है, जितना भी मैं सिखाऊं प्रीमियर प्रो में, मैं अपने हिसाब से सिखाऊं, अपने से सिखाऊं, ठीक है। तो एकदम बेसिक एडिटिंग आती है मुझे, और एक्चुअल में बेसिक एडिटिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है भाई, ठीक है। माइकल विक, ठीक है। ये स्टोरी ऑफ जो है उसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। बढ़िया, अरे ये कवर करेगा इतना। ओके, मेरे को एक ये फिलर चाहिए होगा, तो अ स्टोरी विथ रिवेंज, अ स्टोरी विथ रिवेंज, अ स्टोरी ऑफ एन असैसिन, ठीक है। एक स्टोरी ऑफ एन को छोटा कर देते हैं, ये का फिलर मैंने दे दिया आपको, इसको एक बार एंटर दबा देना पड़ेगा। हाँ ओके, ये ठीक रहेगा। ओए कहाँ गया ये रहा कई बार आगे चला जाता है ये। ओके, ये लास्ट वाले को मैं कट कर सकता हूँ क्योंकि ये सिर्फ इतना ही है, इतना ही है। अरे नहीं, मैं इस लास्ट वाले को अच्छे में यूज कर सकता हूँ। ये देखो, इसको मैं, सॉरी, इसको मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये रिलीजिंग सून ऐसा करके लिख देता हूँ, ठीक है। माइकल विक, ठीक है, माइकल विक, और सॉरी मैं बहुत बार सॉरी बोल चुका हूँ ना अभी तक। रिलीजिंग सून, ठीक है। इसको मेरे को ले जाना है यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे स्टोरी ट्रेलर बन चुका है, ठीक है। एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ वगैरह हो चुका है, इसको सेव कर देता हूँ पहले। तो मैं इस एक्चुअल में ट्रेलर को मैं एज एन अनलिस्टेड वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। एंड आई विल आस्क यू कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मेरे को उस यहाँ पे भी कमेंट करके बताना है, और उस अनलिस्टेड वीडियो के अंदर भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो एक्चुअल में कैसा लगा। अभी यहाँ से ना गलती से मेरी एक चीज़ निकल गई है जो कि कॉपी नहीं हुई, तो ये क्या है, समवन हैड आई ऑन हिज कार एंड उसमें मैंने क्या लिखा था, समवन हैड आई ऑन हिज कार मैसिंग विथ एन असैसिन, द असैसिन सीक्स रिवेंज, सो द वॉर बिगिंस, समवन हैड आई ऑन हिज कार। एंड यहाँ पे मैं इसको, कई बार ये डुप्लीकेट नहीं होता, कई बार ये मेन चीज ही उठा के ले लेता है, तो कहीं नहीं, दे स्टोल, मैंने एन पे दबाया था, दे स्टोल इस का। ओके, तो लेट मी चेक कि सब कुछ टैक्स वगैरह है ना एक बार, क्योंकि भाई कई बार ये कॉपी नहीं कर। ओके, सब कुछ टेक्स्ट है, डोंट वरी। और मैं यहाँ से एक इन दे देता हूँ, और इन दी एंड में दे देता हूँ एक आउट। तो मेरा सिर्फ इतना ही, 1 मिनट एंड 54 सेकेंड्स का अपना ट्रेलर है, ठीक है। तो इस ट्रेलर को, जैसे कि मैंने आपको बोला, हम लोग अनलिस्टेड तरीके से इस ट्रेलर को हम लोग रिलीज करेंगे, एंड आपको उसमें देखना है ट्रेलर कैसा लगा कैसा नहीं, वो आप लोग को मेरे को बोलना है। अगर अच्छा लगा हो तो भाई थैंक यू वेरी मच, अगर खराब लगा हो तो भाई बेसिक एडिटिंग के नाम पे यार कर सकते हो कुछ। आई एम ट्राइंग टू लर्न अ न्यू वेज फॉर एडिटिंग,
थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आई विल गेट देयर सून। इसी के साथ गाइज, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू वेरी मच, इट वॉज माई न्यू अप्रोच। तो अगर थोड़ी सी गलती हुई ऐसी लगी हो तो माफ़ करना, एंड आई विल ट्राई टू बी बेटर अगेन। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे सेफ, कीप गेमिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।